हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेस बिगिनर टू एडवांस विद इंटरव्यू क्वेश्चन इन हिंदी। तो शुरू से लेके एंड तक जितने भी रिएक्ट जेस है हम सीखने वाले हैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से। अगर आपको रिएक्ट जेस में कुछ भी नहीं आता है तो आप सही जगह पे आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज रिएक्ट जेस के बारे में। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे रिएक्ट जेस होता क्या है। ठीक है, मैं ये मेरा लिंक है ब्लॉग का stillearning.in और इस पर ब्लॉग का URL है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्ट होता क्या है बेसिकली। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सिंपल रिएक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप होते हैं इंस्टॉल करने के लिए, कौन सा कोड एडिटर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे, पहले हम प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड सबसे पहला अपना प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे JSX क्या होता है। ठीक है, फिर रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है, फिर क्लास नेम कैसे यूज़ करते हैं हम, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर CSS या बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, CSS के कितने टाइप होते हैं, इंटरनल या इनलाइन या फिर एक्सटर्नल, उसको कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में। ओके, स्टैक एंड प्रॉप्स क्या होते हैं ये आपको बताने वाला हूँ। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बट फिर भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। ओके, हुक्स क्या होते हैं, उसका क्या यूज होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे हाउ टू क्रिएट काउंटर ऐप इन रिएक्ट जेएस, एक काउंटर ऐप बनाएंगे। ओके, फिर उसके बाद रीयूजेबल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को रीयूजेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं उसको, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम करेंगे एक API इंटीग्रेशन। ओके, और उसके बाद हम कुछ जानेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन, कुछ मेरे पास क्वेश्चन है इंटरव्यू के, वो हम जानेंगे एक एक करके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ वीडियोस डाली हुई हैं रिएक्ट जेएस की हैं, जो कि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काउंटर ऐप भी बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है VS कोड को, VS कोड के अंदर आपको रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहता है HTML से कन्वर्जन किया था इसका रिएक्ट जेएस के अंदर। तो इसके दो तीन पार्ट होंगे, पहला पार्ट ये, दूसरा ये है, तीसरे में क्या होता है मैंने स्टेट एंड प्रॉप बताई थी। ओके, और फिर मैंने गेट API बताई थी कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने सारे हुक्स बता रखे हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज REF, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूजर, तो ये सारी वीडियो हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो पर डली हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपली जानते हैं व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस क्या होता है, तो रिएक्ट जेएस सिंपल क्या है, रिएक्ट जेएस इज ए पॉपुलर ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर बिल्डिंग इंटरफेसेस पार्टिकुलरली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। तो बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट जेएस क्या है, एक लाइब्रेरी है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ओपन सोर्स। ओके, एंड डेवलप एंड मेंटेन बाय फेसबुक, तो फेसबुक के द्वारा बनाई गई थी ये। जैसे कि आपको पता होगा रिएक्ट अलाउ डेवलपर टू क्रिएट रियूजेबल UI कंपोनेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कंपोनेंट के ऊपर ही सारी वीडियो बनने वाली है ये, क्योंकि कंपोनेंट का यूज़ करके ही रिएक्ट जेएस में हम काम कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इसके बाद हम क्या जानने वाले हैं कि फीचर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे इंस्टॉल कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस को। तो सिंपली आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे पहले इंस्टॉल करने से पहले एक काम करते हैं, पहले जान लेते हैं बिफोर स्टार्ट वर्क रिएक्ट जेएस यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द HTML CSS एंड JavaScript। अगर आपको HTML CSS और JavaScript नहीं आता, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो भी बना के डाली हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, इसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लास्ट टाइम मैंने फुल HTML, फुल CSS और फुल JavaScript की वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं जाकर। ये देखिए मैंने अपलोड की थी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फुल HTML की वीडियो है, CSS की वीडियो और JavaScript की वीडियो, तीनों वीडियो पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है रिएक्ट जेएस के लिए। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज करेंगे, टेक्स्ट एडिटर आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, सबलाइम यूज कर सकते हो या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट एडिटर आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हो, बट मैं यूज करूंगा VS कोड काफ़ी ईजी है यूज करना। ओके, और काफ़ी फेमिलियर भी है। ओके, इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है रिएक्ट जेएस का कोड लिखने में। ठीक है, अब बात आती है इंस्टॉल करने की, तो रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले कि आप इस ब्लॉग पे कैसे आओगे। ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपल यहाँ पे स्टिल लर्निंग रूटीन खोलोगे, हाल तो मैं इसका बस URL दे दूंगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। ये आप ओपन करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर ये आ रहा है रिएक्ट जेएस बिगिनर टू एडवांस, आप इस पर क्लिक करोगे और इस पेज पे आप आ जाओगे। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट जेएस। ओके,
तो रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नोड चाहिए। क्या चाहिए? नोड। तो सिंपली आप ब्राउजर पे जाओगे, क्या लिखोगे, डाउनलोड नोड, नोड जेएस। ओके, आप ये लिखोगे, सिंपल इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप पे, आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। विंडोज के लिए किसे डाउनलोड करना है आपको, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से आपको किस चीज़ के लिए डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है आपको, ठीक है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। ओके ओके, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद यहाँ पे स्टेप क्या आता है, इंस्टॉल रिएक्ट ऐप यूजिंग npx create react app और ऐप नेम। नोड जेएस मेरे पे डाउनलोड है, ठीक है, और अभी मुझे क्या करना है, पहले नोड जेएस डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है आपको यहाँ पे अपना वर्जन चेक कर लेना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए सबसे पहले आप इसका वर्जन चेक करेंगे, कहीं भी आप cmd खोल के आप चेक कर सकते हो, चाहे VS कोड में भी चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या करोगे आप, node स्पेस हाइफन v, एंटर मारोगे, देखिए मेरे पर नोड का कौन सा वर्जन है, 18.16 वर्जन है। इसके बाद हम npm का वर्जन भी चेक करेंगे, ये कौन सा वर्जन है, 9.5.1 है, ठीक है, तो ये वर्जन आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप ये रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। अब देखिए हम इसको रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर में और यहाँ से मैं cmd ओपन करता हूँ अपना, ठीक है। cmd ओपन करने के बाद मैं कहाँ पे आ गया, मैं आ गया रिएक्ट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, npx create hyphen create sorry npx space create space react space app। इसके बाद आप अपनी ऐप का नाम देंगे, मान लो मैंने दिया यहाँ पे react app, इस टाइप से नाम दे दिया, मैंने एंटर मारा, तो यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर कितना टाइम लेती है, ओके। कोई मशीन ऐसी होती है कि एकदम इंस्टॉल हो जाता है, कोई मशीन ऐसी होती है कुछ टाइम ले लेती है, ठीक है। अब ये जैसे इंस्टॉल होगी तो होगा क्या, ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप के बाद मैंने यहाँ पे रिएक्ट का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक कमांड रन की है, तो होगा क्या, जनरली जो रिएक्ट का फोल्डर है जो मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर बन गया है, देखिए आ चुका है रिएक्ट ऐप नाम से। ये क्यों आया रिएक्ट ऐप नाम से, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका अपने जो एप्लीकेशन उसका नाम रिएक्ट ऐप रखा है, क्या रखा है मैंने उसका नाम, रिएक्ट ऐप, रिएक्ट हाइफन ऐप। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे रिएक्ट ऐप आ चुका है। मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर package.json आ चुकी है। सबसे पहले पहली फाइल कौन सी आती है, package.json, उसके बाद बाकी सारी फाइलें यहाँ पर आती हैं। जैसे जैसे ये इंस्टॉल होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर फाइल्स आती रहेंगी आपकी, और उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तब तक हम बाकी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आप रन करोगे कैसे, npm स्टार्ट के थ्रू, कैसे करोगे, npm स्टार्ट, ओके। npm स्टार्ट किस में करोगे, जिस फोल्डर में आपका ये ऐप इंस्टॉल हुई है, जैसे कि आपकी ये ऐप इंस्टॉल हुई है इस फोल्डर में, तो इस फोल्डर को खोलोगे आप VS कोड के अंदर, और वहाँ पर आप अपना npm स्टार्ट चला दोगे और आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, और उसके बाद जो हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो फोल्डर्स बने होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी फाइल का यूज़ क्या है, ठीक है, रूट फाइल कौन सी होती है, कहाँ से हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सब एक एक करके हम जानेंगे। देख लेते हैं पहले हमारा ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। अभी हमारी यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है package.json, तब तक हम एक काम करते हैं, इसको cmd में सॉरी VS कोड में ओपन कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, cmd प्रेस किया, मैं यहाँ पर टाइप, ये देखिए मैं आ गया ना इसके अंदर रिएक्ट के अंदर, थोड़ा जूम करता हूँ मैं रिएक्ट के अंदर, ये मैंने दो यहाँ पे cmd खोले हुए हैं, एक यहाँ पे खोला हुआ है और एक में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, रिएक्ट के अंदर क्या है, रिएक्ट ऐप है। अब इसके अंदर मैं अपना कोड ओपन करूँगा, कोड ओपन करने की शॉर्ट कमांड क्या होती है, कोड स्पेस डॉट, इससे मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा इस फोल्डर को ओपन कर देगा, रिएक्ट ऐप वो फोल्डर है उसको ओपन कर देगा VS कोड, ओके। तो भी हम देखते हैं इसको, इसने ओपन कर दिया है, यहाँ पे हमारी package.json फाइल आई है। अब जैसे ही इंस्टॉल होएगा वैसे हमारी यहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएंगी, ओके। अभी हमारा package.json आया है, बाकी सारी फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएंगी एक एक करके। आपको VS कोड के बारे में नहीं पता है तो आप VS कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आप सर्वर पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे VS कोड डाउनलोड, एंटर मारोगे, पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे। सबसे पहले लिंक आ गया, आपको विंडोज़ के लिए चाहिए विंडोज़ के लिए कर सकते हो, या फिर आपको किसी और उसके लिए चाहिए तो आप यहाँ पे किसी और के लिए भी कर सकते हो, ओके।
मैंने सिंपल विंडोज़ पे क्लिक किया और यहाँ से मेरा ये डाउनलोड हो गया। मेरे ऑलरेडी है, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर VS कोड है। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने के लिए, तो टाइम ले रहा है इंस्टॉल में। ठीक है, सबसे पहले इंस्टॉल किया इसने रिएक्ट किया, और फिर बाद में क्या किया, रिएक्ट डोम किया। ये दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती हैं। ओके, और ये चीज़ इस फाइल के अंदर मेंशन भी होंगी, अभी नहीं है क्योंकि ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, अभी सिर्फ तीन लाइन लिखी है। जो मैंने नाम दिया इसको रिएक्ट ऐप, वो आ गया है, वर्जन आ गया है 0.1.0 और प्राइवेट ट्रू लिखा हुआ गया है। अब जैसे ये इंस्टॉल होगा, बाकी चीज़ इसके अंदर सारी अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली हम जान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको भी हम रहने देते हैं ओपन। अब देखिए इसके अंदर टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल ओपन करने के लिए हमारा शॉर्ट कमांड होती है, तो कंट्रोल बैकटिक या फिर कंट्रोल जे, क्या होती है, कंट्रोल बैकटिक या फिर कंट्रोल जे, दो शॉर्ट कमांड होती है, इससे हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अब जो भी हमें कमांड चलानी है, जैसे मैंने आपको बताया npm start चलानी है, तो आप यहाँ पर चला सकते हैं ईजिली। ठीक है, एक बार हम देखते हैं फिर दोबारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। अब इंस्टॉल नहीं हुआ, अगर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे हमारे सारे फोल्डर्स बन के आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे हमारा कोड लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जितना भी कोड हमारा यहाँ पे आना है, फर्स्ट टाइम में आता है, वो सारा कोड यहाँ पे हमको लिख के यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और हम उसको npm start के थ्रू उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये जानेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड इन React.js। हेलो वर्ल्ड जनरली हम कुछ ही प्रिंट कर सकते हैं वहाँ पर, बट हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे अपनी React की पहली एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, फिर हम जानेंगे JSX क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं JavaScript के अंदर, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले JSX। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, अगर इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, JSX क्या होता है, JSX स्टैंड फॉर JavaScript XML, इट इज सिंपली सिंटेक्स एक्सटेंशन ऑफ JavaScript, इट्स अलाउ अस टू डायरेक्टली राइट HTML इन React विद इन JavaScript कोड, ऑलवेज रिटर्न सिंगल एलिमेंट। तो ये देखिए, ये सारी बातों का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, पहले हम क्या करते थे, HTML के अंदर JavaScript लिख पाते थे, बट स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता था वहाँ पर। जब भी हम स्क्रिप्ट टैग लगाते थे तो उसके अंदर JavaScript का कोड लिख सकते थे, बट यहाँ पे क्या होता है, JSX का मतलब क्या है, JSX का मतलब है कि यहाँ पे आप अपना जो कोड है JavaScript का, वो HTML के साथ लिख सकते हो, आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे मान लो चार लाइन लिखी, आप चाहते हो कि दूसरे नंबर में मुझे कुछ JS का ऐड करना है पर, तो आप डायरेक्टली JavaScript का कोड लिख सकते हो उसके अंदर। बट यहाँ पे क्या होता है, JSX सिंगल रिटर्न करता है, ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज सिंगल रिटर्न एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, ओके, तो अभी देखते हैं इंस्टॉल हुआ अभी नहीं हुआ इंस्टॉल, काफ़ी टाइम लगा इंस्टॉल होने में। ओके, आई थिंक ये स्टॉप हो गया था, तभी इसने इतना टाइम लिया है। ओके, तो JSX क्या करता है हमारा HTML को, कहाँ पे HTML को हम क्या कर सकते हैं, JavaScript क्या कर सकते हैं, HTML के साथ में हम राइट कर सकते हैं। फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट एक मैं आपको पहले बता देता हूँ थ्योरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली बताऊँगा आपको। ठीक है, फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट आर ए वे टू ग्रुप ए लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन एलिमेंट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड टू द डोम। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, आपको क्या करना है, आपके पास लिस्ट आ रही है डिव की, ठीक है, नोट्स की डिव, आपके पास नोट्स की लिस्ट आ रही है, आपको क्या करना है, उनको एक मतलब एक पेरेंट के अंदर ऐड करना है, बट आप नहीं चाहते पेरेंट का डिव ऐड करें। ठीक है, तो फ्रेगमेंट क्या करता है, पेरेंट का डिव है उसको हटा देता है, बट आपके जितने सारे डिव हैं, क्योंकि आपको पता है JSX क्या करता है, सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, तो फ्रेगमेंट क्या करता है, वो सारे एलिमेंट को एक जगह रैपअप कर देता है। ठीक है, क्लास नेम क्या होता है, क्लास नेम सिंपली जब भी हम React.js यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्लास नेम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लास नेम इन इज ए एट्रीब्यूट, इज एन एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द CSS क्लासेस फॉर एन HTML एलिमेंट, दिस इज सिमिलर टू अंडरस्टैंड द क्लास एट्रीब्यूट इन HTML। HTML के अंदर हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करते थे, तो उसकी जगह पे जब हम JavaScript, जब हम React में यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्लास नहीं यूज करते, हम क्लास नेम यूज करते हैं। ठीक है, बट इन JSX, ठीक है, द क्लास एट्रीब्यूट इज रिप्लेस विद द क्लास नेम, वो मैंने आपको बताया अभी, क्लास नहीं यूज करते, क्लास नेम यूज करते हैं JSX के अंदर। HTML में सिंपल क्लास लिखते थे, ऐसा क्यों, बिकॉज क्लास इज रिजर्व कीवर्ड इन JavaScript, JavaScript के अंदर क्लास तो रिजर्व है, तो उसको यूज नहीं कर सकते। JSX जो लिख रहे हैं वो हमारी JavaScript का पार्ट है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, उससे पहले जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं ना, जो भी लिखते हैं JSX जो लिखते हैं, वो ब्राउजर हमारा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए बेवल का यूज़ किया जाता है। बेवल क्या करता है, हमारे JSX के कोड को कंपाइल करके ब्राउजर के
अकॉर्डिंग, जो ब्राउजर समझ पाए उसके अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कर देता है बेवल। ओके, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेवल क्या है, बेवल का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट सिंपल कंपोनेंट बोले तो कंपोनेंट इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेसेस। कंपोनेंट आर यूजेबल पीसेस ऑफ पीसेस दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड, टेस्टेड एंड मैनेज्ड। वी विल ऑल्सो डिस्कस हाउ टू मैनेज नेस्टेड कंपोनेंट इन रिएक्ट.js। तो कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली पेज मान सकते हो आप, एक पेज बोल सकते हो उसको। जैसे हम HTML के अंदर पेजेस बनाते हैं तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, बट कंपोनेंट का बेनिफिट क्या है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। प्लस हमारी जो वेबसाइट है React.js, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारे React.js है, वो वर्चुअल डोम यूज़ करता है। ठीक है, रियल डोम यूज़ नहीं करता है। वर्चुअल डोम क्या करता है, हमारी जो React.js है उसको लाइटवेट बनाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम CSS यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। ठीक है, विद React.js बूटस्ट्रैप का कैसे यूज़ करते हैं, CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेट और प्रॉप क्या होता है, तो प्रॉप्स आर यूज फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड में जब भी हमें कुछ सेंड करना होता है, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, आपको शायद समझ ना आ रहा हो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको थ्योरेटिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना। तो प्रॉप्स आर यूज फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो प्रॉप्स क्या काम करता है, पेरेंट से चाइल्ड में डाटा सेंड करने का काम करता है। स्टेट इज यूज फॉर मैनेजिंग इंटरनल कंपोनेंट डाटा। स्टेट क्या करता है, जो हमारा कंपोनेंट के अंदर का डाटा होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। हुक्स क्या करते हैं, हुक्स हमारे क्या है, ठीक है, देखो सिंपली हुक्स इन React.js आर स्पेशल फंक्शंस दैट अलाउ यूज टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फंक्शन रिएक्ट फीचर्स इन फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन React 16.8 हुक्स इनेबल फंक्शंस कंपोनेंट टू बिकम मोर पावरफुल। हुक्स क्या करता है, हमारा जो रिएक्ट हमारे देखो फंक्शन जो कंपोनेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। जो स्टार्टिंग में हुए थे वो क्लास बेस यूज होते हैं, बट अभी रिएक्ट अभी जावास्क्रिप्ट बेस यूज होते हैं। ओके, फंक्शन बेस यूज होते हैं। ठीक है, तो हम जो काम करने वाले हैं फंक्शन बेस पर काम करने वाले हैं। जो जैसे हमारा 16.8 आया था तो उसके अंदर हुक्स की जरूरत पड़ती है, और हुक्स जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फंक्शन बेस कंपोनेंट के अंदर, ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कैसे क्रिएट करते हैं एक काउंटर ऐप, सिंपल रीयूजेबल कैसे बनाते हैं कंपोनेंट को, और API क्रिएट कैसे करते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं, आई थिंक हमारा इंस्टॉल हो गया होगा। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही हमारा इंस्टॉल हुआ, यहाँ पे हमें क्या कमांड लिखी हुई है, npm start, npm run build, npm test, npm eject। ठीक है, इस टाइप की हमारे पास कुछ कमांड आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी सजेस्ट यू दैट बिगिन यू टाइपिंग cd react app और फिर npm start चला दो। ये cd react app क्यों लिखा है, ताकि अभी हम react फोल्डर के अंदर हैं, अगर हम यहाँ पर cd और react app कर देंगे, क्योंकि हमारा रिएक्ट फोल्डर बन चुका है यहाँ पर रिएक्ट ऐप करके, तो हम ये कर देंगे तो हम रिएक्ट ऐप फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हमें जाके अपनी कमांड चलानी है npm start, बट हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे VS Code के अंदर। ठीक है, VS Code में चलते हैं, यहाँ पर जाके हम अपनी कमांड चलाएंगे। मैं इसको थोड़ा प्लस कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ईजी टू विजिबल हो। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा npm, मैं देखिए मैं इसके अंदर हूँ ना रिएक्ट के अंदर, फिर मैंने जो बनाया था अभी रिएक्ट ऐप, इसी के अंदर हूँ ना, npm start, ये लिखा मैंने, एंटर मारा। अब ये क्या करेगा, मेरे इसको रन कर देगा, जो भी मेरा कोड है उसको रन कर देगा, मुझे दिखा देगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है और आपका आउटपुट क्या दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑटोमेटिक खुद से ये ओपन हो गया। ठीक है, अब जो भी इसके अंदर काम किया गया होगा इनिशियली, वो सारा मुझे यहाँ पर आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है और उसमें हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अब उसको प्रैक्टिकली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, JSX की बात करते हैं, JSX से पहले हम ये स्टेप पढ़ेंगे, हेलो वर्ल्ड वाला। ठीक है, पहले तो हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं अभी ऑलरेडी, ये हमारा स्टेप हो चुका, डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, नोड जेएस हमारा ऑलरेडी है, npx क्रिएट रिएक्ट चल चुकी है, ऐप इंस्टॉल भी हो चुकी है, npm स्टार्ट भी हो चुका है, इसके बाद का हमारे पास ये सारा डाटा आ चुका है। देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या मिला है, ऐप है, एक लोगो मिल रहा है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये लिंक आ रहा है, स्टेप से हमारे पास कुछ बन के आ रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट React.js प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम क्या जानने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग फोल्डर स्ट्रक्चर। देखिए अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी फाइल बन जाएंगी, देखिए काफ़ी सारी फाइल आ गई, और मैं इसको करता हूँ बंद पहले कंट्रोल बैकटिक करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल आ रही है लेफ्ट साइड में, पब्लिक फोल्डर आ गया मेरे पास, SRC फोल्डर आ गया, नोड मॉड्यूल्स आ गए,
जो डिपेंडेंसी है वो सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अब मेन फाइल होती है हमारी पैकेज डॉट जेएसएन, इसके अंदर सारा कुछ लिखा है हमने क्या यूज़ किया क्या नहीं यूज़ किया। अभी देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में तीन चीज़ थी, सिर्फ नेम रिएक्ट ऐप था, वर्जन ये था, ठीक है, प्रायोरिटी था, डिपेंडेंसी क्या है, क्या क्या डिपेंडेंसी वो सब इसने यहाँ पे डाल दिया, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, जो भी है हमें डिपेंडेंसी वहाँ पे प्रोवाइड करा दी। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऐसी कुछ पैकेज डॉट जेएसएन बन के आती है, अगर हम कुछ नया इंस्टॉल करते हैं तो वो भी इसमें ऐड होता जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं हम आगे, इसको करते हैं बंद, स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे मेन काम जो हमारा होगा वो होगा एसआरसी के अंदर सारा काम, ठीक है। पब्लिक के अंदर भी हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, पब्लिक को करते हैं बंद। एसआरसी के अंदर सारा काम होने वाला है, एसआरसी को हमने ओपन किया, ठीक है। एसआरसी को ओपन करते यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ आ गई। एक तो ये आ गया, ये अननेसेसरी फाइल है, इसको हम यूज़ नहीं करने वाले, पहले इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा समझते हैं फिर रिमूव करते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम जानते हैं सबसे पहले कि ये जो लोगो है और ये टाइटल है और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है हमारे पास, इतनी सारी फाइल हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा ये कहाँ से मैं चेंज करूँ, आपसे कोई बोल देंगे इसको चेंज करो या फिर कुछ नया बनाओ, ऐसा तो नहीं आप ये यूज़ करोगे, ये वही तो आपका नया ही बनेगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे। तो इसको सिंपली आप सबसे पहले कहाँ मिलेगा आपको, ऐप डॉट जी एस एस के अंदर, ऐप डॉट जी एस के अंदर आपको ये सब मिलेगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, ये डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका लोगो का आइकन आ रहा है यहाँ पे, ये लिंक आ रहा है, ठीक है, ये आपका लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, आपका सब कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फोल्डर के अंदर जो फालतू की चीज़ें उसको हटा देते हैं सारी, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी सारी फालतू चीज़ होती है जो हम यूज़ नहीं करेंगे अभी, मतलब फालतू नहीं कह सकते इसको, हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर बट अभी यूज़ नहीं करेंगे इसको ना। तो पहले हम इसको हटाते हैं, पहले यहाँ से सेटअप टेस्ट जेस करके, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है इनिशियली, इसको हटाते हैं, रिपोर्ट इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब क्या होगा हमारे पास, देखिए अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, हमारे पास एरर आने स्टार्ट करेंगे। एरर क्यों आएंगे, क्योंकि हमने इस फाइल को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास एरर आने स्टार्ट करेंगे। ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेस इसको बैठाएंगे हम यहाँ से। अब एरर को सोल्व कैसे करेंगे हम, ऐप डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस हमें नहीं चाहिए अभी सिंपली, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस हम रख सकते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस हटा दिया मैंने, ठीक है। लोगों को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हटा दिया। अब देखिए एस आर सी के अंदर हमारे गिनती की कितने चीज़ बची हैं, ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिमूव नहीं करना है। ऐप डॉट सी एस एस को कर सकते हो, बाकी इंडेक्स डॉट जे एस और ऐप डॉट जे एस इसको रिमूव नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको जो प्रॉब्लम आ रही है इनको ठीक करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या, इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर जाते हैं, अब यहाँ पर दिखाएगा हमें कि भाई इसको ये चीज़ नहीं मिल रही है, अब हमने ये रिमूव किया था इसको ये नहीं मिलेगा, इसको हटाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से जो कमेंटेड कोड है इसको हटाते हैं, रिपोर्ट डिटेल सिखा इसको हटाते हैं, ये काम करते हैं इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिल रहा था इसको, ये यहाँ से मिल रहा था, तो इसका भी कोई यूज नहीं है, भी इसको हटाए थे यहाँ से, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटाए थे, ठीक है। इंडेक्स डॉट सी एस हमने हटा दिया, तो इसको भी यहाँ से हटाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एरर काफ़ी कम हो गई, देखिए ऐप डॉट जे एस के अंदर एरर है, और हम जाते हैं ऐप डॉट जे एस के अंदर, जे एस के अंदर, और यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, लोगों नहीं मिल रहा, उसको लोग हटाते हैं यहाँ से, फिर जाएंगे फिर भी एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि लोगों को हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया बट यहाँ पे यूज़ तो किया है, इसको हटाते हैं यहाँ से। काम करते हैं, ये पूरे फोल्डर को हटाते हैं यहाँ से ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हटा दिया। अब सिंपली हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये देखिए आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के, आ गया हेलो वर्ल्ड लिख के। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, हेलो वर्ल्ड आया कैसे, ठीक है। अब ऐप डॉट जेएस बना हुआ है, इंडेक्स, अगर हम एचटीएमएल की फाइल बनाते थे तो हमने सपोज करो फाइल बनाई अबाउट डॉट एचटीएमएल या फिर कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अब जो भी फाइल हम ओपन करेंगे वो भी खुल जाएगी, बट यहाँ तो बहुत सारी फाइल है। अब इसको कैसे पता चला कि हमें ऐप डॉट जेएस को ही रीड करना है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले इसके अंदर एचटीएमएल की एक ही फाइल होती है, ठीक है, एचटीएमएल की एक ही फाइल होती है। देखिए पब्लिक के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके, ठीक है, यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके, इसके अंदर क्या है, रूट कॉल रखी है, सारा कुछ काम हमारा इसी के ऊपर रखा है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो कुछ नहीं चलेगा हमारे पास, सब बक गया, देखिए कुछ नहीं चलेगा, सारा काम यहीं से हो रहा है हमारा, ठीक है, रूट से। तो यहाँ पे क्या किया, रूट किया है, रूट के अंदर आईडी डाल दी हमने, सॉरी आईडी में क्या डाल दिया, रूट डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने कहाँ पे यूज़ किया है, इसको करता हूँ बंद। एचटीएमएल के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे छोड़ देना, पूरी एप्लीकेशन बन जाएगी, इसमें कुछ काम ही नहीं करना है। कुछ अगर लाइब्रेरी या सीडीएन कुछ ऐड करना तो वो कर सकते हैं इसके अंदर, मेन काम हमारा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या हो रहा है हमारा, जो मैंने आपको बताया अभी, देखिए इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
रूट, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं आईडी को गेट करने के लिए क्या करते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और वहां पे आईडी का नाम लिख देते हैं। तो आईडी का नाम यहां पे लिख रखा है हमने और यहां से हमारा रिएक्ट डोम जो भी बन के जा रहा है वो सारा यहां पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, यहां पे इसको हमने क्या किया कॉस्ट में ले लिया और कॉस्ट के अंदर क्या किया है रूट डॉट रेंडर रिएक्ट स्टिक मोड और रिएक्ट स्टिक मोड को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है और इसके अंदर हमने ऐप को कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा। अगर मैं ऐप को हटाकर डालूंगा कुछ भी तो ये हमारा प्रिंट होगा, वो हमारा प्रिंट नहीं होगा जब के अंदर है कि ऐप भी हमारी यहीं से कॉल हो रही है। देखिए ये प्रिंट हो गया, इससे आप समझ गए। सबसे पहली फाइल हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो कि पब्लिक के अंदर है, फिर आती है हमारी इंडेक्स डॉट जेएस, फिर उसके अंदर हम जो भी कॉल कराएंगे वो आएगा। हमने यहाँ पे क्या कॉल कराया था ऐप। ठीक है, अब यहाँ से हम गए ऐप के अंदर, ये देखिए ऐप को पहले इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे स्टेप से, फिर यहाँ पे कॉल कराते हैं स्टेप से हम, फिर इसके अंदर जाते हैं कंट्रोल करके इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर पहुँच जाओगे आप। इसके अंदर आ गए, अब यहाँ से जो भी इसको मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ भेज रहा है। ठीक है, और यहाँ से डाटा आपका कहाँ जा रहा है उठ के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जा रहा है और यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है और ये सब क्या कर रहा है एचटीएमएल वहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, आई थिंक आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम इससे बढ़ते हैं आगे, इतना क्लियर। अब बात करते हैं जेएसएक्स की। ठीक है, जेएसएक्स क्या होता है? तो जेएसएक्स सिंपली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जेएसएक्स क्या होता है, स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ये क्या करता है, आपको सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मैंने क्या लिखा है फंक्शन ऐप, इसके अंदर क्या रिटर्न हुआ है, आपको एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न हुआ है। अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न कर दूँ तो क्या चलेगा, देखिए एरर आ गया यहाँ पे, यहाँ तो एरर आएगा 100% आपके कोड में एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न कर रखे मैंने, यहाँ सिंगल एलिमेंट एक्सेप्ट करता है। जबकि हाँ, इसके अंदर आप कितने एलिमेंट यूज़ कर लो, आप चाहो तो कॉपी करके इसको, और या फिर एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ पे इसको ना कॉपी करता हूँ और इसको ना एक एलिमेंट में लेता हूँ, एक डिप में लेता हूँ दोनों को, तब चलेगा ये? हाँ तब चलेगा, देखिए 100%। क्यों चला? क्योंकि ये सिंगल डिप हो गई, देखिए इसके अंदर कितने डिप डालो आप, कितने नेस्टेड डिप डालो उसको फर्क नहीं पड़ता पड़ने वाला, बट जो रिटर्न करना है वो सिंगल डिप रिटर्न ही करनी है आपको, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये होता है आपका जेएसएक्स, और जेएसएक्स का मेन काम जो होता है वो होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो सॉरी HTML के साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर पाओ इनलाइन। ये देखिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देके कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 2+2 अगर मैंने लिखा तो क्या प्रिंट होगा, 2+2 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट कोड समझेगा उसको, कर्ली ब्रैकेट में लिखते ही इसने समझा जावास्क्रिप्ट का कोड है और 2 और 2+2 को प्लस करके यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया है। देखिए यहाँ आ गया हेलो वर्ल्ड 4 आ गया। तो ये आपका जेएसएक्स, क्या है आपका जेएसएक्स, आई होप आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा जेएसएक्स। आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को डाउनलोड कीजिए, एक दो बार देखिए तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ले पाऊँ, जल्दी लेके आऊँ। ओके, अब बात करने वाले हैं हम किसकी, रिएक्ट फ्रेगमेंट की। रिएक्ट फ्रेगमेंट होता क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने 2 डिप रिटर्न करी है, इसके अंदर एक सिंगल डिप रिटर्न करी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट है, रूट के अंदर मुझे सिंगल डिप रिटर्न कर दिखा रहा है जो मैंने यहाँ पे ये डिप रिटर्न करी है। ठीक है, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक डिप मिल रही है, फिर दूसरी डिप मिल रही है, तो एक डिप के अंदर मेरे 2 डिप मिलेंगे यहाँ पे, एक डिप एरी और एक डिप एरी। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो पेरेंट डिप है वो मुझे नहीं चाहिए, कहीं कहीं ऐसा केस बनता है, बहुत जगह बनता है ऐसा केस, अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो काफ़ी सारे केस आएंगे ऐसे जहाँ पे मुझे ऊपर रिएक्ट ये डिब नहीं चाहिए होती, बट यहाँ पे मल्टीपल वो चाहिए, यहाँ पे डिब नहीं दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसे केस कई जगह बनते हैं, जैसे हम अगर टेबल वगैरह यूज़ करते हैं ना तो उसमें काफ़ी बनते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे। रिएक्ट फ्रेगमेंट होता क्या है, रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है स्टार्टिंग के जो होते हैं ये आपको, आप इसको ऐसे लिखोगे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। अब देखिए जैसे मैंने रिएक्ट लिखा ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट हो गया, जो भी लिखोगे ऊपर इंपोर्ट होता रहेगा, आपने इसको स्टार्टिंग किया तो इसको क्लोज भी करोगे रिएक्ट फ्रेगमेंट। देखिए ठीक है, आपने रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखा, यहाँ पे लिखा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, तो अभी देखिए आप जाओगे ना यहाँ पे स्ट्रक्ट में तो यहाँ पे आपको कोई डिब्री मिलेगी, देखो रूट के बाद कोई डिब नहीं है, कोई डिब नहीं है ना, सीधा आपके पास 2 डिब आ गई। देखिए मैं जूम पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपके पास 2 डिब आ गए यहाँ पे, बट आउट में कोई भी डिब नहीं है, डायरेक्ट रूट आ रही है। मैं अगर थोड़ा बैक करके दिखाऊँ तो आपको समझ आएगा प्रॉपर, ये देखिए मैंने डिवाइड की तो आपको यहाँ पे डिप दिख रही होगी, रूट के अंदर एक डिप दिख रही है, एक डिप के अंदर 2 डिप आ रही हैं,
ठीक है। अब मैंने जब फ्रेगमेंट यूज किया तो क्या हुआ, रूट तो दिखा दिखा बट उसके अंदर डिव नहीं दिखी मुझे, उसके अंदर डायरेक्टली मुझे यहाँ पे दो डिव मिल गई। समझ गए आप प्रॉपरली? ठीक है, अब देखिए एक और तरीका है। फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट को आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखा है, ठीक है, रिएक्ट आप तभी यूज कर पा रहे हो तो आपने यहाँ पर रिएक्ट लिखा है इसलिए, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट फ्रेगमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट फ्रेगमेंट भी लिख सकते हो। यहाँ पर इस टाइप से फ्रेगमेंट लिखोगे तो आपको फ्रेगमेंट ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाल तो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, फिर भी आपको यहाँ पर खुद से भी कर सकते हो। फ्रेगमेंट आप लिखोगे यहाँ पे इस टाइप से तो खुद से ऐड हो गया। देखिए ये भी सेम काम करेगा। अब भी यहाँ पर डिव नहीं आ रही, पेरेंट डिव नहीं आ रही है, ठीक है। और सबसे बेहतर तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ या सब लोग जो यूज़ करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ दो तो भी ये इसको एज ए फ्रेगमेंट कंसिडर करेगा। आपको कुछ लिखना ही नहीं है, इस टाइप छोड़ दो उसको सिंपल। अभी देखिए सेम काम हो रहा है। तो फ्रेगमेंट को यूज़ करने के तीन तरीके होते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट और ब्लैंक डिव। डिव नहीं, ब्लैंक, ये वाले कॉलम, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। आई होप आपको फ्रेगमेंट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लास नेम की। क्लास नेम क्यों यूज़ करते हैं हम? क्लास नेम आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे कि मेरे पास कोई HTML का कोड है, ठीक है, अब मैं उसको इसमें डालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिव क्लास नेम की जगह क्लास लिख दिया, सॉरी देखिए कुछ आ गया था बन के मेरे पास, मैंने क्लास लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या हुआ, यहाँ पर कंसोल में रन चालू होएंगी, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा आउटपुट में, चलेगा ठीक, बट कंसोल में रन चालू होएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, देखिए, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, अगर आपका HTML का कोड है, क्लास को क्लास नेम करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना ज़्यादा इसमें काम, क्लास यूज नहीं करना, क्लास नेम यूज कर लेना है, ठीक है। तो आपको एरर नहीं बन जाएगी, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे एरर गई, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा क्लास वाला सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट देखिए ये सारे हमारे पास कंपोनेंट ही हैं, ऐप डॉट कंपोनेंट है, नेक्स्ट डॉट जेएस ये भी कंपोनेंट है, दोनों हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ फोल्डर, ठीक है, कुछ कंपोनेंट बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या होते हैं कंपोनेंट, ठीक है। SRC में गया, पब्लिक को बंद करता हूँ, SRC में गया, यहाँ से मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट करके, कंपोनेंट सिर्फ दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, ये कंपोनेंट बनाऊंगा किसी नाम से, मान लो मैंने बनाया चाइल्ड वन। और सिंपली आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग का जो आपका ये कैरेक्टर है इसको आप ट्राई करें कैपिटल रखें तो बेटर रहेगा, डॉट JSX रखें, है ना। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा हुआ है, यहाँ सिंबल रिएक्ट का सिंबल, अगर JS यूज़ करोगे तो JS काम करेगी बट JSX बेटर रहता है, ठीक है। ये सिंबल क्यों आ रहे हैं मेरे पास, सारे जो आइकन आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, चाइल्ड वन आ गया, चाइल्ड वन के अंदर मैंने क्या किया, सिंपली इसके अंदर एक बनाता हूँ कंपोनेंट। तो मैं किस टाइप से बनाऊंगा, इस टाइप से बनाऊंगा कॉन्स्ट, और जो नाम है इसका सेम वही रखूंगा, चाइल्ड वन, ट्राई करें इसका नाम सेम रखें, इस टाइप से बना दूंगा इसको मैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट भी करें सबसे पहले, है ना, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अभी आपका कंपोनेंट बन चुका है, इसके अंदर आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। रिटर्न आप एक ही चीज़ कर सकते हो, फ्रेगमेंट यूज किया मैंने और यहाँ पे कुछ मैंने लिखा H1 डाल के, यहाँ पे लिखा दिस इज चाइल्ड वन कंपोनेंट, ओके, आई होप यू गॉट इट। अब देखिए ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। अब मैं चाहता हूँ इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के अंदर यूज करना, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ कंपोनेंट, कंपोनेंट ये होता है, कंपोनेंट बनाया मैंने और मैंने यहाँ पे लिखा है वी विल ऑल्सो डिस्कस हाउ टू मैनेज नेस्टेड कंपोनेंट। नेस्टेड कंपोनेंट का मतलब है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करते हैं। अभी तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे वर्ल्ड 4 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, मैं सब हटाया था यहाँ से, सब मैंने हटा दिया यहाँ से, अब कुछ नहीं आ रहा। या फिर मैं नहीं हटाता हूँ, सिंपली मैं इसके ऊपर HR लगा देता हूँ, HR, सॉरी ये तो कुछ आ गया लिखा हुआ, इस टाइप से लिखूंगा HR, ठीक है। मैंने HR लिख दिया इसके ऊपर और यहाँ पर अपना दूसरा कंपोनेंट कॉल कराऊंगा इसके ऊपर, HR के ऊपर, ठीक है। दूसरे कंपोनेंट का नाम क्या, मेरा चाइल्ड वन, मैं ट्राई करता हूँ कॉल कराने का, ये कॉल नहीं होगा, क्यों कॉल नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट करना जरूरी है इंपोर्ट करने के लिए, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेम नाम से आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, जो नाम यहाँ पे आप रखोगे उस नाम से इसको एक्सपोर्ट करोगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और यहाँ पर अब ट्राई करता हूँ चाइल्ड वन, आप देखिए अब आ गया आपके पास चाइल्ड वन, और लिखा भी आ रहा है ये कंपोनेंट के अंदर है, चाइल्ड के अंदर। आप इसको एंटर मारोगे ऊपर, देखिए लाइन नंबर 2 पे 1 पे और 2 पे
दो लाइन इंपोर्ट है, यहाँ पे तीन लाइन इंपोर्ट इंपोर्ट हो जाएंगे एंटर करते ही। एंटर मारा मैंने, तीन लाइन इंपोर्ट हो गई। देखिए मैं इसको बंद करता हूँ और ऊपर देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। चाइल्ड वन इंपोर्ट हुआ, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, कंपोनेंट के अंदर, चाइल्ड वन के अंदर से ना ये चाइल्ड वन इंपोर्ट हो चुका है। अब जो भी डाटा इसके अंदर लिखा होगा यहाँ पर वो डाटा उठ के कहाँ पर प्रिंट होगा, मुझे यहाँ पर प्रिंट हुआ, यहाँ पर दिखाई देगा एचआर के ऊपर। जाकर देखते हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा, दिस इज चाइल्ड वन कंपोनेंट। मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। ये हमारा चाइल्ड वन कंपोनेंट से आ रहा है और ये हमारा मेन कंपोनेंट से आ रहा है, ऐप से आ रहा है, ऐप डॉट जेएस से आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको कंपोनेंट का फंडा समझ आ गया प्रॉपर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सीएसएस बूटस्ट्रैप विद रिएक्ट जेएस। मेरे पास कमेंट आया था कि रिएक्ट जेएस को बूटस्ट्रैप के साथ यूज करिए, ठीक है। तो मैं इसको बूटस्ट्रैप के साथ भी यूज करूंगा, करके दिखाऊंगा, और कस्टम सीएसएस के साथ भी यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं काम करते हैं, कस्टम सीएसएस लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज करना है, तो सिंपल एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं ऐप के अंदर, हम चिल्ड्रन में काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ सारा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हम चिल्ड्रन में काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा हुआ है हमारे पास, अब इसमें काम करेंगे हम जो भी करना है। अब यहाँ एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, जैसे हम सीरियस में लिखते थे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया करली ब्रैकेट, यहाँ पर लगाएंगे दूसरा करली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे यहाँ पर कलर। कलर कैसे लिखेंगे, जिस टाइप से हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, इस टाइप से लिखेंगे हम। कलर मान लो मैंने डाला इसके अंदर इंडियन रेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कलर आ गया, इसे बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। आपको पता है इनलाइन सीएसएस क्या होती है, अगर आपने सीएसएस की वीडियो देखी है या आपको सीएसएस आता है तो आपको पता होगा इनलाइन सीएसएस क्या होती है। इनलाइन सीएसएस हम जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट जेएस के अंदर ऐसे यूज करते हैं, इस टाइप से मल्टीपल चीज़ आप यूज कर सकते हो यहाँ पर ना। बैकग्राउंड आपको देना है तो बैकग्राउंड लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख दोगे आप ग्रीन या जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आगे प्रॉपर, अब मुझे इनलाइन नहीं देनी, इनलाइन हटा दी यहाँ से। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंटरनल देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉस्ट लूँगा। अब यहाँ पे ले लूँ कस्टम स्टाइल, कुछ भी नाम ले लो आप जो आपको ठीक लगे। जो चीज़ मैंने इसके अंदर लिखी थी वही चीज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगा। कलर मैं, सॉरी ये तो कौन सा लगे, कलर नहीं आ रहा, कलर ऐसा क्यों। देखिए एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉल करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे तो कलर रेड इस टाइप से लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ, इसको हटाता हूँ पहले। आ गया कलर रेड, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा उससे ना, इसलिए नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लू, नहीं आया, ऐसा क्यों, कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्या मैं ऐसे यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, नहीं आया। एक काम करते हैं, इसको मटाता हूँ फिलहाल, अभी भी नहीं आया। इसका मतलब हमारी बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है। छोटी छोटी गलती हो जाती है अगर आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड भी आ गया, कलर भी आ गया, क्लियर। इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस, ये हमने यूज़ कर ली, बट हम ये सब यूज़ नहीं करने वाले ना, इंटरनल इनलाइन हम यूज़ करेंगे कस्टम सीएसएस बाहर से, ठीक है। बाहर से मतलब, इसको हटाता हूँ पहले मैं, ठीक है। बाहर से मतलब मेरा, हमारे पास ऐप डॉट सीएसएस है, ये किस लिए है, यहाँ से यूज़ करेंगे इसको हम। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सारा कुछ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं कोई क्लास लगाऊंगा यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ पे लगाई हेडिंग क्लास, हेडिंग वन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दूंगा मैं कलर, कलर में डाल दूंगा एको कलर, ठीक है। एको कलर डाल दिया यहाँ पर, हेडिंग वन जाऊँगा क्लास, क्लास यूज करूँगा, कहाँ पर यूज करूँगा, यहाँ पर क्लास नेम के साथ ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एको कलर आ गया, बट ये दिख नहीं रहा इसको ना, बैकग्राउंड चेंज करते हैं थोड़ा सा ना, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखना कितना आसान है, वहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, वहाँ पर मैंने, मुझे थोड़ी कमांड याद है तो मैं इसलिए यहाँ पर टाइप करता हूँ इस टाइप से, और आपको याद हो तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने वहाँ पर क्यों नहीं लिखा, देखिए यहाँ पर लिखना इतना आसान है, सिंपल सीएसएस की तरह। वहाँ पर क्या है, आप जावास्क्रिप्ट के कोड की तरह लिखोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर वहाँ पर टाइप करोगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ पड़ता है लिखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया सिंपल, दिस इज चाइल्ड वन कंपोनेंट, और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर और ये कलर एक्वा कलर आ गया, ठीक है ही जी। अब ये क्यों आया, ऐप डॉट सीएसएस को हमने यहाँ पर यूज़ भी नहीं किया, समझिए ये क्यों आया, क्योंकि चाइल्ड वन को आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ऐप के अंदर, और ऐप डॉट सीएसएस को कहाँ पर इम्पोर्ट किया हुआ आपने, ऐप के अंदर, ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो ये भी तो इसके अंदर यूज हो रहा है, तो आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कस्टम सीएसएस। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप की,
एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप फोर में चलते हैं। यहाँ पर कुछ हम कुछ ले लेते हैं, मान लो एक काम करते हैं, कुछ यहाँ से डिजाइन ले लेते हैं। ट्यूटोरियल खोला मैंने यहाँ से, और कुछ डिजाइन आएगा यहाँ पे, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सपोज करो मैंने डिजाइन है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारा इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखिए मैंने उसको पूरे डिजाइन में पेस्ट कर दिया। अब इसका डिजाइन नहीं आना चाहिए बनके मेरे पास, क्योंकि मेरे इसमें क्या है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मेरे पास ऐसे दिख रहा है। अब मैं अगर इसकी बूटस्ट्रैप को अपने रिएक्ट जेएस में इंस्टॉल कर दूँ तो कैसे दिखेगा? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, CDN लिंक ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप फॉर CDN लिंक इंस्टॉल भी कर सकते हो, बट आप CDN के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। मैं CDN के थ्रू यूज़ कर दिखाता हूँ आपको। CDN के थ्रू यूज़ कैसे करना है, आपको कॉपी करना है इसको और जाना है आपको अपने index.html के अंदर, एक ही पब्लिक के अंदर। देखिए मैंने कैसे फाइंड किया, कंट्रोल पी किया, index.html लिखा, तो मेरे को यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html पड़ा हुआ, इसको खोल लो आप। मैंने खोल लिया और यहाँ पर जाके अपना जैसे हम html में ऐड करते थे, इस टाइप से यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। अब हमने ऐड किया, अब देखिए अब जाके देखते हैं आउटपुट। देखिए आउटपुट आ गया बन के, ये हमारा आउटपुट आ गया, ये बैकग्राउंड आ गया है, ये कॉलम आ गया हमारे बन के आ गया सब। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा, मैं इसको बैक करके हटा देता हूँ वापस यहाँ से अगर इसको हटाता हूँ तो सेम पे पहले से पेज हो जाएगा। देखिए हो गया, बैक करता हूँ, हो गया, देखिए हो गया। एक चीज़ आप नोटिस की होगी, इसका पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है। तो रिएक्ट जेएस में ये फीचर है कि आप जो भी काम करोगे रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, आप कुछ भी चेंज करते हो तो जो रिएक्ट जेएस है खुद से रिफ्रेश हो जाती है ब्राउजर पर, आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता यहाँ पर आकर। तो ये एडवांटेज है रिएक्ट जेएस का। दैट्स इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको प्रॉपरली CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ करना आपको आ गया होगा, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई HTML की थीम बना रखी है बूटस्ट्रैप के साथ में, उसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो मेरी एक वीडियो है, सिंपल सी, वो देख लीजिएगा और CDN में बूटस्ट्रैप ऐड कर दीजिएगा, आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर दोगे। इसमें देखिए यहाँ पर पार्ट वन करके एक वीडियो पड़ी होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसमें जाओगे प्लेलिस्ट में, एक काम करते हैं मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ मैं, स्टील लर्निंग, ठीक है। यहाँ गया व्यू और चैनल करके, ठीक है। अब आपने ऐसे यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिक वीडियो चला रखी मैंने यहाँ पे, यहाँ हो गए तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी। या फिर एक काम करते हैं, देख लेते हैं, मैंने काफ़ी बार वीडियो डाल दी एक, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है रिएक्ट जेएस की पार्ट वन करके, ये पार्ट फाइव है और इसके पीछे काफ़ी पीछे है वो, मैंने काफ़ी पहले अपलोड की थी इसको, ठीक है, ये पार्ट तीन है उसका, ये रहा पार्ट वन, ठीक है। मैंने इसको एक साल पहले अपलोड किया था, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर पहले अपलोड किया था इसको मैंने, इसके अंदर लिखा हुआ है कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो चेंज, ठीक है, कैसे कैसे आप पूरे अपने प्रॉपर एक HTML को रिएक्ट जेएस में कन्वर्ट कर सकते हो। फुल वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, बाकी आगे तीसरा पार्ट भी इसका, ठीक है। तो सिंपली कर लोगे। इसके बाद हम बात करने वाले स्टेट एंड प्रॉप्स की, स्टेट एंड प्रॉप्स सीखना आपको, तो वो भी आप यहाँ सीख सकते हैं। तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर मैंने स्टेट और प्रॉप्स प्रॉपर बता रखी है, ये देखिए स्टेट एंड प्रॉप्स सब बता रखी है मैंने इसके अंदर, बट मैं आपको फिर दोबारा बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले सिंपल समझा देता हूँ स्टेट एंड प्रॉप्स होती क्या है। प्रॉप्स आर यूज फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। प्रॉप्स क्या करता है, एक डाटा जो आपका पेरेंट में पड़ा हुआ है उसको चाइल्ड में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। स्टेट क्या करता है, आपका यूज्ड फॉर मैनेजिंग इंटरनल कंपोनेंट डाटा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, इसको यूज रहने देते हैं। हमारे पास दो डाटा है, एक ऐप है, एक चाइल्ड वन है, ठीक है, एक ऐप है, एक चाइल्ड वन है। ऐप क्या है, पेरेंट फोल्डर है, चाइल्ड क्या है, हमारा नेस्टेड फोल्डर है, ठीक है, मतलब चाइल्ड फोल्डर है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ फिलहाल, स्टेट। तो यहाँ पे हम स्टेट यूज़ करेंगे पहले हम, ठीक है, यहाँ पर हम एक स्टेट लेते हैं। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट ये होता है फंक्शन बेस्ड, जो हमारा रिएक्ट जेएस होती है उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं स्टेट को, यू स्टेट के थ्रू। कैसे यूज़ करते हैं, यू स्टेट के थ्रू। यू स्टेट क्या है, एक हुक है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, सपोज़ करो आपने यहाँ पर किया नेम, मैंने नेम यूज़ किया, ठीक है। दो चीज़ होती है यहाँ पर, नेम सेट नेम, यहाँ पे यूज़ करोगे यूज स्टेट, ये सबसे पहला हुक है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ हुक्स के बारे में भी, जैसे आपने यहाँ पे यू स्टेट लिखा तो ये यू स्टेट यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे हमारा फ्रेगमेंट ऐड हुआ ना वैसे यहाँ पे ऐड हो गया है। इस टाइप से हम लिखते हैं हम यू स्टेट हुक्स को, ये उसका सिंटेक्स है। सिंपली कॉन्स्ट लिया, यहाँ पे आपने जो भी अपना वेरिएबल या फिर जो भी स्टेट लेना है वो नाम डाल दोगे यहाँ पे,
स्टेट होता क्या है, बेसिकली जस्ट लाइक वेरिएबल, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है वेरिएबल और स्टेट के अंदर। वेरिएबल क्या करता है, जब भी आप वेरिएबल को अपने चेंज करोगे तो आपका जो कंपोनेंट है उसको रिरेंडर नहीं करता है, बट अपने आप अगर आप अपने यू स्टेट को चेंज अपने अपनी स्टेट को चेंज किया तो आपका जो ये जो कंपोनेंट है वो फिर से रिरेंडर होता है। बस यही फ़र्क है, ठीक है, वेरिएबल में और स्टेट में दोनों चीज़ें यूज होती हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है नेम, ठीक है, ये आप एक वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है, और ये क्या है, ये इसका फंक्शन है जो कि इसके नाम को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनिशियली आप इसकी वैल्यू क्या दोगे, यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो स्टार्टिंग में। सपोज करो मैंने इनिशियली इसकी वैल्यू यहाँ पर दी टेस्ट, क्या दी टेस्ट, अब मैं इसके नाम ये नाम लिखा है, मान लो टेस्ट में रोहित देता हूँ, यहाँ पर रोहित देता हूँ, ठीक है रोहित। अब मुझे इस नेम को यूज़ करना है, तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, आपको पता है कैसे यूज़ करना है, सिंपली यहाँ पर आऊँगा मैं, कर्ली ब्रैकेट डालूंगा उसमें नेम डाल दूंगा, सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये लिखा ना माई बूटस्ट्रैप पेज, इसमें डाल देता हूँ नाम उठा के, इसको हटाता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा नाम आ जाएगा रोहित। बट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो सिंपल नेम लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट लगाया, नहीं आया रिफ्रेश करना पड़ेगा, रोहित आ गया, आगे लिखो रोहित, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्टेट, स्टेट को इंटरनली आप कहीं भी डाल सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब अपडेट करना तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, सिंपली देखिए इसके अंदर ही एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से नीचे भी लिखा ना इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये रोहित लिखा है, इसके नीचे एक काम करता हूँ, बटन देता हूँ मैं, या बटन नहीं देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ इनपुट, तो आपको समझाना आसान होगा, ठीक है। इनपुट में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ध्यान से समझिए, इनपुट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑन, एक मिनट रुकिए, मैंने नेम लिया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट में वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, क्या डालूँगा, नेम, क्या डाल दिया, नेम, यहाँ लिखूँगा ऑन चेंज, ऑन चेंज में चलाऊँगा फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा सेट नेम, यहाँ पे क्या डाल दूँगा, नेम, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है, इसलिए अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए सिंपल ही होना क्या है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं ऑन चेंज चलाता हूँ उसको ना, बटन पे बनाता हूँ ऑन क्लिक फंक्शन, सिंपल, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे कोई भी नाम बनाता हूँ, मान लो मैं बनाया ऑन चेंज, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऑन चेंज पे क्या होगा, जब भी इस पर हम क्लिक करेंगे हमारी इसकी वैल्यू अपडेट होगी, अभी रोहित आ रहा लिखा हुआ यहाँ पे, जब भी हम इसको अपडेट करेंगे तो सेट नेम की हेल्प लेके यहाँ पे सेट नेम की हेल्प लेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे उसको हम, यहाँ कर देंगे हम गौरव, क्या कर देंगे गौरव। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रोहित आगे लिखा होगा क्योंकि रोहित मिल लिया वैल्यू उसको नेम में। अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, गौरव, क्या मिलेगी, गौरव। बट यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर, चेंज ये क्लिक लिख देंगे ना बटन पे, ये हमारा बटन है, सिंपल क्लिक लिख दिया मैंने, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं क्या मिला, गौरव, देखिए वैल्यू अपडेट हो गई, फिर रिफ्रेश करूँगा फिर से रोहित आ गया, फिर मैंने क्लिक किया फिर गौरव हो गया, आगे जी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, इस पर ऐसे आप क्लिक करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज जाएगी, ओके। तो ये होता हमारा स्टेट, ये हो गया हमारा स्टेट, इनिशियली हम काफ़ी सारे काम करते हैं स्टेट से, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करो तो आपको प्रॉपरली यूज़ करना आ जाएगा स्टेट। अब प्रॉप्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे पास एप डॉट ये है, एप डॉट जेएस है, यहाँ से हम कोई प्रॉप्स पास करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लेटर बनाता हूँ, सॉरी लेटर में रखता हूँ मैं रखता हूँ यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम यूज़ कर रखा ऑलरेडी, एक काम करता हूँ यहाँ से इसको हटा के मुझे प्रॉप्स पास करना है, ठीक है, ये जो नाम है प्रॉप्स के थ्रू लेकर आता हूँ मैं, ठीक है, प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे नाम लिखाता हूँ। अब नाम कैसे लिखाऊंगा प्रॉप्स के थ्रू,
काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई और नेम यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं कुछ और यूज़ कर लेता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा डाटा, ठीक है, मैंने डाटा लिख दिया माई डाटा। ये एक काम करो, हम इस यहाँ लिखते हैं, ये फंक्शन ये वाला कंपोनेंट कॉल है चाइल्ड वन, इसके अंदर एट्रीब्यूट पास करते हैं, पहले हम एट्रीब्यूट के थ्रू पास करने हमें, तो हम इसमें डायरेक्ट पास करते हैं, वहाँ लिखते हैं, ठीक है। वहाँ मैं इसलिए करता ताकि मैं डायनेमिक लेके आता, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का नाम आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने डाटा लिया है, ठीक है, आप डाटा वन डाटा टू या कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करो मैंने डाटा में यहाँ पे डाला दिस इज माई डाटा, ठीक है। अब मुझे इस डाटा को लेके जाना है इस चाइल्ड वन के अंदर और यहाँ पे लाकर शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ये डाटा है हमारा, ये एट्रीब्यूट का नाम है, ये हमारी वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। की को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे करेंगे एक्सेप्ट, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसके अंदर, इसके अंदर एक्सेप्ट कैसे करेंगे, प्रॉप्स के थ्रू, कैसे करेंगे प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। अब क्या नाम था हमारा यहाँ पे डाटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक काम करते हैं इस एसपीएन को करता हूँ कमेंट ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और इसको भी करता हूँ कमेंट, ठीक है, दोनों करता हूँ कमेंट, यहाँ पे एक एच वन ग्रीट करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्रिंट कराने वाला हूँ मैं ये वाला, ये वाली वैल्यू दिस इज माई डाटा, कैसे लेके जाऊँगा, की के थ्रू लेके जाऊँगा, की को मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, प्रॉप्स में एक्सेप्ट किया, तो सारी यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट तो मेरे यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, लिखूंगा प्रॉप्स डॉट क्या था डाटा, यहाँ पे जाऊँगा, देखिए आ गया हमारा दिस इज माई डाटा। तो प्रॉप्स को यूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉप्स ऐड किया, दूसरा प्रॉप्स ऐड करूँगा डाटा टू, तो ये भी मैं डाल सकता हूँ, सॉरी ये देखिए मैं ऐसे क्यों डाल रहा हूँ, ऐसे क्या, दिस इज डाटा टू, ऐसे ही पास कर सकते हो इसको आप, और चाहो तो एक वेरिएबल लेके पास कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए इस टाइप से पास करते हो, इस टाइप से पास करते हो उसको, यहाँ पे लेट डाटा टू या कुछ भी नाम ले लो आप जो आपको बेटर लगे यहाँ पे, इस टाइप से, और डाटा को टू को पास कर दो इसके अंदर, ठीक है। अब इस डाटा टू, ये डाटा टू जो लिखा है इसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे मैंने डाटा वन को एक्सेप्ट किया ना वैसे यहाँ पे कॉपी करोगे डाटा टू को एक्सेप्ट कर लोगे। देखिए दो लाइन देखिए यहाँ पे लिखी है, दिस इज माई डाटा, दिस इज डाटा टू। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉप्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, एक प्रॉप्स तो हमारे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, और एक प्रॉप्स जो हमारा वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा ये वेरिएबल है यहाँ से आ रहा है, इसको आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ, फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो हम डाटा वन डाटा और डाटा टू यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपली अगर हमें प्रॉप्स प्रॉप्स नहीं लिखना, कई जगह प्रॉप्स नहीं लिखना चाहते लोग, ठीक है, तो उसके लिए दो तीन तरीके होते हैं, या तो डिस्ट्रैक्टिंग यूज़ कर लो, डिस्ट्रैक्टिंग यूज़ करने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखोगे सिंपल कॉस्ट, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा डाटा, क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हो आप, डाटा और डाटा वन, ठीक है, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, डाटा और डाटा वन, कहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रॉप्स से, ठीक है, कहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हो, सॉरी मैंने गलत तरीके लिख दिया इसके अंदर, इस टाइप से लिखोगे इसको, इस टाइप से, ठीक है। अब क्या होगा, अब डायरेक्टली यहाँ पे आप डाटा यूज कर सकते हो, ये देखिए मैं आपको समझाऊंगा, पहले आपको दिखाता हूँ, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या हुआ, डाटा टू, मैंने डाटा वन लिख दिया इसलिए प्रॉब्लम आई, ठीक है, डाटा आगे प्रॉब्लम, सॉरी डाटा आगे प्रॉपर। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या, मैंने यहाँ प्रॉप्स पास किया और उस प्रॉप्स के अंदर क्या थी, मेरे पे दो चीज़ मिल रही थी, डाटा और डाटा टू, जो कि यहाँ से आ रहे थे डाटा और डाटा टू, उसको मैंने क्या किया, डिस्ट्रैक्टिंग के थ्रू यहाँ पर निकाल लिया। डिस्ट्रैक्टिंग में क्या होता है पता ना आपको, डिस्ट्रैक्टिंग में एक एक करके वैल्यू निकल जाती है, मैंने आपको ये वैल्यू ये निकाल ली डाटा और डाटा टू निकाल लिया, उसको मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ यहाँ पर, सिंपल कुछ नहीं किया मैंने। और इससे भी आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, आप एक काम करो उसको कॉपी करो और सबको कट कर दो, डिस्ट्रैक्टिंग को कट कर दो यहाँ से, इसको कट कर दो और यहाँ पर वाकई पेस्ट कर दो, सिंपल इस टाइप से आप यूज़ कर लो, तब भी यहाँ पर आपका काम करेगा, जो कि अक्सर यूज़ करते हैं लोग, मैं भी यही तरीका यूज़ करता हूँ, ठीक है, सिंपली आप स्टेप से यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको स्टेट और प्रॉप का प्रॉपर फंडा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि प्रॉप्स का मतलब कि आप एक ही कंपोनेंट में आप इसको पास कर पाओगे, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, कितने मर्जी नेस्टेड कंपोनेंट में आप डाटा पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, ठीक है।
जैसे डाटा मेरे पास यहाँ पर आया तो यहाँ से डाटा मैं आगे भेज सकता हूँ उसको, ठीक है। चाइल्ड एक और नेस्टेड चाइल्ड बना के इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानना है तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो मेरी वीडियो दिखाई दी मैं आपको यहाँ देख लीजिएगा जाके, ठीक है, स्टेट प्रॉप वाली। अब एक काम करते हैं, हुक्स जानते हैं, हुक्स क्या होते हैं। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, देखिए, हुक्स इन रिएक्ट जेएस आर स्पेशल फंक्शंस दैट अलाउ यू टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फंक्शंस इन रिएक्ट फीचर्स इन फंक्शंस कंपोनेंट इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 16.8। हुक्स इनेबल फंक्शन कंपोनेंट टू बिकम मोर पावरफुल। तो हुक्स क्या होता है, देखिए, सिंपली आपके पास कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। जो हुक्स यूज होता है वो सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज होता है, क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं होता है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट करंट में चल रहा है, रिएक्ट जेएस ने खुद से रिकमेंड किया है कि हमें जो फंक्शन बेस कंपोनेंट यूज करने चाहिए, जो कि इसलिए हमें जो हुक्स है इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जो कि 16.8 वर्जन में आए थे, ठीक है। अब हुक्स कौन कौन से होते हैं, सिंपली देखिए, आप यहाँ लिखिए हुक्स इन रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पर आपको हुक्स की लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको हुक्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारे हुक्स होते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज आर ई एफ, यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, कस्टम हुक्स, ठीक है। तो ये सारे हुक्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, ठीक है, यूज कॉल बैक, यूज आर ई एफ, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे हम दो तीन हुक्स जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि हम एटलीस्ट पता रहे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यूज स्टेट हुक कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यूज स्टेट हुक का सिंटैक्स क्या होता है, स्टेप से आप इसको यूज कर सकते हो। यूज स्टेट हुक कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉन्स्ट लिखोगे, यहाँ पे उसका नाम लिखोगे, जो भी नाम लोगे यूज स्टेट का, और यहाँ पे उसका सेट मेथड बनाओगे ताकि उसको अपडेट कर सको, और यूज स्टेट में कोई इनिशियल वैल्यू सेट कर दोगे, अदरवाइज आप नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वहाँ से इसको चेंज करके इसको चेक कर सकते हो। अब दूसरा जो हम यूज करने वाले हैं हुक, वो यूज करेंगे यूज इफेक्ट। क्या यूज करेंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं पहले, यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट कब काम करता है। यूज इफेक्ट काम करता है आपका सिंपल, जब आपका पेज रेंडर होता है तो फर्स्ट टाइम में आपका यूज इफेक्ट काम करता है, ठीक है। उसमें दो तीन चीज़ होती हैं, दो चीज़ पास होती हैं, एक तो फंक्शन पास होता है, एक एरे पास होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, उसमें यूज इफेक्ट में गए, यूज इफेक्ट के अंदर क्या करता है, आपकी दो चीज़ आती हैं, पहला आता है एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। पहला आर्ग्यूमेंट होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होता है, आप दो मत दो, ठीक है। पहला फंक्शन होता है, फंक्शन आप दोगे दोगे, डिपेंडेंसी आप मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। अगर आप डिपेंडेंसी नहीं दोगे, ब्लैंक भी नहीं दोगे, तो आपका जो फंक्शन है बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर डिपेंडेंसी ऐड कर दोगे तो फर्स्ट टाइम चलेगा आपका कंपोनेंट, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रॉपर भी, ठीक है। इस टाइप से देखिए, यूज इफेक्ट आपका ये, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आइए, अब सिंपली यहाँ पर देखिए होता क्या है, मैं हटा देता हूँ सारे, ये हमने यूज़ नहीं किए, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं साथ साथ डाटा हटाते जा रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पर ज़्यादा डिस्पेस ना लगे, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे। यूज इफेक्ट का सिंटेक्स इस टाइप का होता कुछ, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर हमने पहला क्या किया, पहला काम किया हमने एक यहाँ पे एरो फंक्शन रिटर्न किया। दूसरा काम क्या है, यहाँ पे ब्लैंक एरे, इसका मतलब है डिपेंडेंसी, ये क्या है, डिपेंडेंसी, ये ऑप्शनल है, इसको पास करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, आप इसको हटा भी सकते हो उस टाइप से, ठीक है। बट होता क्या है, फिर आपकी जो API होगी या जो भी काम होगा आपका, वो मल्टीपल टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे का मल्टीपल टाइम चलता रहेगा, ये देखिए कंसोल डॉट लॉग, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ इसके अंदर। दिस इज यूज इफेक्ट, मैंने ये लिखा। अब एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, कॉपी करता हूँ उसको मैं, और यहाँ पे जाके इफेक्ट में चेक कर लेता हूँ। आ गया, दिस इज यूज इफेक्ट, मैंने इसको रन किया, फर्स्ट टाइम में चल गया, दो बार चला। अगर मैं डिपेंडेंसी हटा देता हूँ यहाँ से, डिपेंडेंसी हटी हुई है, दो बार चला ऑलरेडी। अब मैं डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करता हूँ तो क्या हुआ, मैंने रिफ्रेश किया तब भी चला, ठीक है। मैंने कुछ चेंज किया फिर चला, फिर कुछ चेंज किया फिर चला। तो जो भी कुछ चेंज करोगे तो आपका कंपोनेंट रेंडर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। बट डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी आपको अभी समझ आएगी, प्रॉपर में समझा दूंगा, ठीक है। डिपेंडेंसी हटा कर आप चेक करोगे तो आपका जो कंपोनेंट है बार बार रेंडर होता रहेगा, होता रहेगा। ये आपको तब समझ आएगी जब आप API इंटीग्रेट करोगे तब, अभी मैं आपको प्रॉपर समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो
तो बार बार अगर विदाउट इसके यूज़ करोगे तो आप मल्टीपल टाइम आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। अभी ये कॉल नहीं हो रहा है बट ये मल्टीपल टाइम आपका कॉल होगा, ठीक है, जब आप ए पी आई यूज करोगे, ठीक है। अगर आप ये डाल दोगे तो आपका जो ये है यूज इफेक्ट, ये आपका सिंगल टाइम कॉल होगा फर्स्ट टाइम में, फिर बार बार कॉल नहीं होगा। जब भी आपका कंपोनेंट री एंटर होगा तो पहली बार कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा आपका कोई भी काम होता रहे, ठीक है। बट आपने अगर कोई भी स्टेट अपडेट कर दी तो ये फिर कॉल होगा, अगर आपने कोई स्टेट अपडेट कर दी तो ये फिर कॉल होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट करके, एक काम करता हूँ बैक करता हूँ, मेरे पास वो था ना अभी, सॉरी बैक नहीं करना मुझे, मैं खुद से ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, डाटा टू हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम दिखाता हूँ, जो मैं नेम यहाँ पर यूज़ कर रहा था वो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन लेता हूँ सिंपल, क्लिक लिखता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ ऑन क्लिक, हैंडल चेंज, मैंने हैंडल चेंज नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। हैंडल चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे, बल्कि एक काम करता हूँ, हाँ हैंडल चेंज कर लो, या फिर डायरेक्टली आप स्टेट अपडेट कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली आप स्टेट अपडेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो उसके अंदर। स्टेप से सेट नेम, मुझे नेम ही चेंज करना है, चेंज कर दूंगा यहाँ पर, पहले रोहित था बाद में गौरव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, आपने इसको रिफ्रेश किया, आपका यूज इफेक्ट चला एक बार, आपने इस पर क्लिक किया, वैल्यू हुई चेंज, आपका यूज इफेक्ट नहीं चला, नहीं चला इफेक्ट, क्यों नहीं चला, क्योंकि आपने ब्लैंक डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड की हुई है। आप इसको हटा दोगे तो जब भी आप इसको, अब फिर इसको रिफ्रेश करो, फर्स्ट टाइम में चला, आपने इस पर क्लिक किया तो फिर चला यूज इफेक्ट, समझ रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप ब्लैंक डिपेंडेंसी देते हो तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम में ही चलेगा यूज इफेक्ट, आप ब्लैंक डिपेंडेंसी नहीं देते, इसको हटा देते हो यहाँ से, तो आपका इफेक्ट तब तक चलेगा जब आपकी कोई भी स्टेट अपडेट होगी इसके अंदर। अभी मैंने ये वाली स्टेट अपडेट की है तब भी मेरा ये चला, चाहे मैं जरूरत हो चाहे ना हो, ये देखिए चला अभी, ठीक है। अब डिपेंडेंसी का अंदर क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंसी मैं ऐड करता हूँ, एक काम करता हूँ पहले बैक करता हूँ उसको, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ भी कर दी ऐसी, नेम, अब यहाँ पर कर दिया मैंने नेम टू, रोहित टू, ठीक है, और यहाँ से मैंने बटन दूसरा ले लिया, सब चीज़ को मैंने टू टू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग बन गए दोनों ना, दो स्टेट बन गई मेरे पास, क्या बन गई, दो स्टेट बन गई, यहाँ पर नेम टू प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाली स्टेट अपडेट होगी, इस पर प्रिंट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाली स्टेट अपडेट होगी, ठीक है, क्लियर। मेरे पे दो अलग अलग स्टेट बन गई। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, फर्स्ट टाइम में देखिए मेरा यहाँ पर इफेक्ट चला, जब मैंने क्लिक किया पहले वाले क्लिक के ऊपर तो मेरा इफेक्ट फिर चला, फिर मैंने दूसरे पर क्लिक किया तो मैंने यूज इफेक्ट फिर चला, फिर मैंने पहले पे क्लिक किया, अब अपडेट नहीं हुई मेरी यहाँ पे, जो भी मेरी वो तो अपडेट हुई नहीं, मैंने अपडेट नहीं लिख रखा इसको मल्टीपल टाइम, तो इसलिए अब नहीं चलेगा वो, क्योंकि मेरी स्टेट यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है। जब जब मेरी स्टेट अपडेट होगी, कोई भी स्टेट हो, तब तक मेरा इफेक्ट चलेगा, अगर मैं डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड नहीं करता हूँ तो। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ब्लैंक तो वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं चलाऊंगा इसको तो फर्स्ट टाइम में चलेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम में चलेगा। अब मैं कोई भी स्टेट अपडेट करता रहूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर डिपेंडेंसी डाल दूँ मैं यहाँ पर, डिपेंडेंसी में अगर मान लो मैंने नेम वन डाल दिया, यहाँ पर नेम वन डाल दिया, तो अब क्या होगा, देखिए डिपेंडेंसी का मतलब है कि जब नेम वन की स्टेट अपडेट होगी तब ही ये काम करेगा, पहले बार में तो काम करेगा बट सेकंड टाइम में नेम की नेम जब अपडेट होगा, नेम जब चेंज होगा, रोहित से गौरव होगा, तभी ये काम करेगा। अगर ये वाला नेम टू चेंज होगा तो काम नहीं करेगा, फिर कोई भी स्टेट अपडेट होती रहे। मतलब ये क्या होता है, आपको सपोज करो यूज इफेक्ट लगा रखा है आपने एक कंपोनेंट के अंदर और आपको यूज़ करना है किसी एक स्टेट अपडेट होने पर, आपके पास 10-12 अपडेट हैं, 10-12 स्टेट हैं, उसमें से कोई एक स्टेट अपडेट होगी तो आपको उस पर ही चलाना है यूज इफेक्ट को, सब पर थोड़ी चलाना है, तो उस केस में ये काम आते हैं डिपेंडेंसी। आपने नेम ऐड कर दिया तो सिर्फ नेम वाले केस में चलेगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम चला, अब मैं नेम टू पर क्लिक करूँगा, स्टेट अपडेट हुई बट यहाँ पर मेरा इफेक्ट नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी ये दे नहीं रखी, मैंने डिपेंडेंसी दूसरी दे रखी, इस पर क्लिक करूँगा तो चलेगा, क्लिक किया तो चल गया, देखिए पहले पे क्लिक किया चल गया। मैं यहाँ पर क्लिक वन क्लिक टू करता हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम में इफेक्ट नहीं चला, और सॉरी फर्स्ट टाइम में इफेक्ट चला, दूसरे बटन पर क्लिक किया नहीं चला, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी में ऐड ही नहीं किया दूसरे वाले स्टेट को, पहले वाले स्टेट को ऐड किया तो पहले वाले पर क्लिक करूँगा चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा डिपेंडेंसी के अंदर मल्टीपल स्टेट यहाँ पर डाल सकते हो, सपोज करो मुझे दोनों केस में चलाना है,
पहले भी दूसरे में भी, और यहाँ पे अभी दो हैं तो मैं उसको ब्लैंक कर दूंगा, बट यहाँ पे अगर 10-12 हुए तो मैं इन दोनों का नाम यहाँ पे सेट कर दूंगा, नेम और नेम टू का। अब जब भी ये स्टेटमेंट अपडेट होगी नेम या नेम टू, तो ये हमारा इफेक्ट चलेगा हमेशा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये हमारा चल रहा है, नेम वन पे क्लिक किया तब भी हमारा इफेक्ट चला, नेम टू पे क्लिक किया तब भी हमारा इफेक्ट चला। आई होप आपको ये हुक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही इनफ है, अगर मैं सारे हुक बताने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी सारे आप हुक जो देखना चाहते हो तो सारी वीडियो यहाँ से मेरी आप देख सकते हो। ठीक है, सारे हुक यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, यूज स्टेट यूज फैक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यूज मेमो देखना चाहते हो यूज मेमो कॉल, यूज कॉल बैक, यूज आर ई एफ, प्रॉप ड्रिलिंग आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, यूज कॉन्टेक्स्ट चेक कर सकते हो, और यूज रिड्यूसर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़। ठीक है, तो हुक हो गया, व्हाट इज वर्चुअल डोम, सॉरी इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आ गया, हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, स्टेट प्रॉप पढ़ लिया, हुक्स पढ़ लिया, अब हाउ टू क्रिएट काउंटर ऐप इन रिएक्ट जेएस। अब सिंपल है, मैं एक काउंटर ऐप क्रिएट करने वाले हैं, एक काउंटर ऐप यूज़ करेंगे प्लस माइनस करके, बहुत ही आसान है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी टफ चीज़ नहीं है, आप करोगे तो आप भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इफेक्ट को करता हूँ कमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको बनाता हूँ प्लस नाम से, इसको बनाता हूँ माइनस नाम से। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, जो आपने प्लस नाम रखा है सेट क्या, अगर आपको सेम नाम रखना पड़ेगा, क्या मिलेगा इसकी तरह यहाँ पे स्टेप से। ठीक है, सेम नाम यूज करो तो बेटर रहेगा, नाम कोई भी यूज करो बट सेम रखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये रखा आपने, यहाँ मैंने क्या किया, वैल्यू दी जीरो, क्या दी जीरो, एक काम कर दो भी ले रहा हूँ मैं, एक काम कर तो हटा देता हूँ इसको सिंपल, यहाँ पे काउंट ले देता हूँ उसका नाम, प्लस माइनस करो, प्लस माइनस तो बटन का नाम रखना मुझे, मैं कन्फ्यूज हो गया खुद। ठीक है, तो सिंपल हो जाती है फिर, अब देखिए मैंने क्या किया, काउंट रखा इसका नाम, और यहाँ से प्रॉप्स को बैठा रहा हूँ, मैं प्रॉप्स यूज नहीं कर रहा हूँ कभी ना। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास दो बटन होंगे प्लस माइनस, मैं उन पर क्लिक करने पर स्टेट को अपडेट करूँगा, जीरो से आगे और पीछे, है ना, मतलब प्लस माइनस होगा। ठीक है, सिंपल, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना काउंट डालता हूँ, काउंट जो कि मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पे सेट नेम कर दो खुद से, सेट काउंट कर दो, या फिर फंक्शन बना के कर दो, जैसे आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं फंक्शन बना के करूँगा तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग सही होती है। अगर आपको एक लिए सिंगल लाइन लिखनी है तो आप सिंगल लाइन कर सकते हो, आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है तो आप सिंगल फंक्शन बना के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो प्लस हैंडल प्लस, हैंडल प्लस इस नाम से फंक्शन बनाया। ठीक है, और मैं बनाऊंगा हैंडल माइनस। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हो आप, यहाँ पर लिख देते हैं हम ताकि पता लगे बटन किसके हैं, माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इनको दोनों को बटन को लेफ्ट राइट में ले लेता हूँ, डिव लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल डिस्प्ले फ्लैक्स, छोटा मोटा स्टाइल लिखने के लिए आप सिंगल इंटर इनलाइन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हुआ, ये तो कुछ तो गड़बड़ हुआ, हैंडल प्लस, ये देखिए मैंने दो यहाँ पे जो फंक्शन दो यहाँ पे ऑन क्लिक कॉल कराए हैं वो तो इनको मिल ही नहीं रहे। ठीक है, वो कहाँ से मिलेंगे, वो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे मुझे, कॉन्स्ट एरो फंक्शन बनाऊंगा। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, ऐसे बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सिंपल वही काम करने वाला हूँ जो यहाँ पे कर रहा था मैं इस लाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इसको अपडेट करूँगा सेट काउंट को, सेट काउंट, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, प्लस मैंने इसके बनाइए अगर आपके एक दो साल का एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, ये देखिए सेट काउंट, मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस वन, क्या किया यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाना भूल गया। ठीक है, काउंट प्लस वन, अब यहाँ पे अगर चेक कर लूँगा, पहले एरर आ रहा है, चाइल्ड वन हैंडल माइनस इज नॉट डिफाइंड, हैंडल माइनस नहीं मिल रहा इसको, मैं कमेंट करता हूँ हैंडल माइनस को। ठीक है, यहाँ प्लस का बटन आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वैल्यू प्लस हो रही मेरी इजीली, देखिए बट ये बटन सेंटर में नहीं आ रहा, मैं इस पर कम करता हूँ थोड़ा सा ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जैसे मैंने प्लस का लगाया बटन वैसे ही माइनस का लगा दूंगा। अब माइनस में क्या होगा, माइनस वाले में सेम काम होगा, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, बट मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कॉपी पेस्ट ना करो, देख के खुद से इतना कोड लिखोगे उतनी आपकी बेटर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सेट काउंट, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर एडिट कर दोगे, काउंट
माइनस वन, सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, हैंडल में माइनस वन कर दिया, प्लस में प्लस वन कर दिया। यहाँ पे जाओगे जब भी माइनस करोगे तो माइनस होता रहेगा, प्लस में प्लस होता रहेगा, बटन चिपक रहे हैं आपस में। एक काम करता हूँ इनमें ना, मैं क्लास लगाता हूँ, ठीक है, बूस्टर तो यूज कर रहा हूँ मैं, BTN प्राइमरी, बटन तो आ गए बट ये चिपक रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फ्लेक्स के अंदर देता हूँ गैप 20 पिक्सल, ठीक है, अब थोड़ा गैप आ गया, ठीक है, और मार्जिन टॉप से देता हूँ, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, थोड़ा डिजाइन से दिखेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास प्लस का बटन माइनस का बटन है, प्लस करूँगा तो प्लस होगा, माइनस करूँगा तो माइनस होगा। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंदर मतलब लिमिट होनी चाहिए कि भाई जब मैं माइनस करूँ तो जीरो से नीचे ना जाए, अभी क्या हो रहा है देखिए, जीरो से नीचे आ रहा है, ठीक है, और प्लस करूँ तो 10 से ऊपर ना जाए, तो ये वैल्यू आपको ऐड करनी आनी चाहिए। इसमें क्या करना है, सिर्फ इफ कंडीशन लगा देनी आपको बस। यहाँ पे क्या करोगे, इफ काउंट अगर ज़्यादा है, क्या लगाओगे यहाँ पे, अगर देखिए पहले लगाते माइनस में, ठीक है, माइनस चलते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इफ काउंट अगर हमारा जीरो से कम है, सॉरी क्या लगाएंगे, क्या हमारा काउंट हमारा जीरो से ज़्यादा, सॉरी जीरो से कम है, देखिए जीरो से ज़्यादा तभी काम करेगा, है ना, ये थोड़ी कंडीशन उल्टी हो गई, इसको डालते हैं इस कंडीशन के अंदर, अगर जीरो से ज़्यादा हमारा काउंट तभी काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा माइनस वाला। तो देखिए मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, चल रहा है, माइनस पे क्लिक किया नहीं चल रहा, प्लस पे क्लिक किया चल रहा है, माइनस पे क्लिक किया नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ऑलरेडी, काउंट अगर बड़ा हुआ जीरो से तभी चले, वरना चले ही ना। अब ऐसे में 10 पे लगानी है, देखिए 10 से ऊपर ले आ रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ 10 से ऊपर ना लगाऊँ, 10 से ऊपर ना ले आऊँ, तो यहाँ पे सिंपल वही लगा दूंगा, इफ अगर काउंट की वैल्यू कितनी है ज़्यादा है, काउंट की वैल्यू कम है 10 से तो ये चले, अदरवाइज ना चले, ठीक है, ये भी सिंपल है। काउंट की वैल्यू और ये देखिए अभी तो ये आ रहा है, रिफ्रेश करता हूँ उसको, माइनस करूँगा तो नहीं चलेगा, जीरो से नीचे नहीं जाएगा, और प्लस करता हूँ तो 10 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, बन गई इजीली तुम्हारी पहली ऐप प्रॉपर बन गई है, ये काम हमारा हुआ फिनिश, ठीक है। तो ये भी आपको प्रॉपर समझ आ गया, नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, थोड़ा फास्ट बोल के बट देख लीजिएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। रीयूजेबल कंपोनेंट का क्या मतलब है, एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप से उठाते हैं पहले कार्ड, बूटस्ट्रैप फॉर कार्ड, ठीक है, कार्ड मतलब मैं इसको रिपीट करा पाऊँ इसलिए मैं कार्ड ले रहा हूँ बूटस्ट्रैप से, ये वाला कार्ड, ठीक है, काम करता हूँ मैं कार्ड ले यहाँ से, और मेरे पास ना मैं एक काम करता हूँ इसको तो करता हूँ बंद, चाइल्ड वन को, ठीक है, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ फोल्डर, कंपोनेंट के अंदर फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर फोल्डर बनाता हूँ रीयूजेबल करके, रीयूजेबल ना, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बनाऊँगा कार्ड रैपर फिर कार्ड, ठीक है, एक बनाया मैंने कार्ड रैपर डॉट JSX, ठीक है, इसको सिंपली मैं वो बना दूंगा कॉन्स्ट करके, इसका नाम जो कॉपी कर लूँगा यहाँ से, चलो कॉपी पेस्ट, ठीक है, रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर कुछ फ्रेगमेंट यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा इसका नाम डाल दूंगा सर, ठीक है, और ऊपर मैं इंपोर्ट कर लूँगा रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम मैंने ऐसे लिखना, इंपोर्ट लिखना पहले, ठीक है, डन, ये बन गया मेरा कार्ड रैपर। एक काम करता हूँ, अब मेरा कार्ड रैपर ऐप तक कैसे पहुँचेगा, यहाँ तक कैसे दिखेगा, यहाँ तो मेरा अभी अकाउंट दिख रहा है, मैंने तो मेरा ऐप चल रहा है, तो ऐप के अंदर चाइल्ड वन जो उसको कमेंट कर दूंगा तो मेरा दिखना बंद हो जाएगा, और उसके अंदर मैं जो कार्ड रैपर है उसको दिखाना चालू कर दूंगा। कार्ड रैपर को इंक्लूड कैसे करते हैं, देखिए उसको इंक्लूड कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था एक्सपोर्ट करना पड़ता है पहले, फिर एक्सपोर्ट करना भूल गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड रैपर, ठीक है, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, अभी इंपोर्ट कर लूँगा, ये लिखा मैंने लेस देन कार्ड रैपर, मैं एंटर मारूंगा ऊपर खुद ऐड हो जाएगा अपने आप, देखिए खुद से ऐड हो गया, ये आ गया मेरा कार्ड रैपर, लिखा हुआ गया कार्ड रैपर यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ना
सही कर देता हूँ, जो भी मेरा काम होगा कार्ड रैपर के अंदर होगा। ऐप को बंद करता हूँ, कार्ड रैपर के अंदर जो भी काम होगा ना सर कार्ड रैपर के अंदर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। डिप बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने क्लास नेम, यहाँ बनाऊँगा कंटेनर। कंटेनर पता है ना आपको किस लिए यूज होती है, बूटस्ट्रैप के अंदर, इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया, ज़्यादातर लोग उसके फेमिलियर होंगे। ठीक है, यूज़ कर लिया, अब मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ ऊपर से ना, MT4, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन आ गया, थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम कार्ड रैपर यूज़ करने वाले हैं। अब एक काम करूँगा, जैसे मैंने बनाया इसको कॉपी करके एक और बनाऊँगा कार्ड करके, कॉपी और रियूजेबल के अंदर एक और बनाऊँगा यहाँ पे पेस्ट, इसका नाम रखूँगा कार्ड, क्या नाम रखूँगा, कार्ड, कार्ड डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं इस कार्ड को यूज़ करूँगा इसके अंदर। ठीक है, समझना आप मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैंने इसको ऐड नहीं किया, ये देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, आ गया कार्ड। अब जो भी मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड, दिस इज रीयूजेबल कार्ड, या कंपोनेंट लिखता हूँ। ठीक है, मेरा जो कंपोनेंट बनाया है ये रीयूजेबल है, जो मेरा कंपोनेंट बना हुआ कार्ड वाला, ये रीयूजेबल है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देख, पहले ध्यान समझिए हो क्या रहा है। मैंने ऐप डॉट जेएस खोली, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, बस तो फिर मैं समझाता हूँ आपको। ऐप डॉट जेएस खोली, इसमें मैंने कार्ड रैपर को डाला है, तो सिर्फ कार्ड रैपर मेरा दिखेगा। मैं कार्ड रैपर पे जाता हूँ, तो कार्ड रैपर के अंदर मैंने किसको इंक्लूड कर रखा है, कार्ड को कर रखा है, तो सिर्फ कार्ड दिखेगा। कार्ड के अंदर गया तो कार्ड के अंदर मेरी एन लिखी है, तो सिर्फ ये दिखेगी। इसका मतलब जो भी कार्ड के अंदर लिख रहा हूँ वो सब मेरे को यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, क्लियर है। ऐप को करता हूँ बंद, मेरे पे दो हैं यहाँ पे, ये पेरेंट है, चाइल्ड है, ये कार्ड रैपर है, ये कार्ड है। ठीक है, अब मैं एपीआई कॉल कराऊंगा इसके अंदर और यहाँ पे अपना एक कंपोनेंट बना दूंगा, उसको रियूज़ करता रहूँगा। कैसे करते हैं देखिए, मैंने इसका कोड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट मार दिया। अब यहाँ पे एरर क्यों आ गए इतने सारे पता है, क्योंकि IMG हमने क्लोज नहीं किया, IMG क्लोज करना पड़ता है, क्लासेस चेंज करनी पड़ती हैं, तो कंट्रोल डी कमांड होती है, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लास चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लास मतलब कि उसका नाम चेंज कर सकते हो, क्लास नेम। ठीक है, आपने चेंज कर दिया, अब आपको यहाँ पे इस टाइप का UI दिख रहा होगा, UI नहीं दिखा क्योंकि अब स्टाइल आ रहा लिखा हुआ, स्टाइल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ स्टाइल, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा ये सब चीज़ें, यहाँ से हटा दो उसको। ये देखिए दिख गया आपको कार्ड प्रॉपर। ठीक है, इमेज नहीं आई क्योंकि इमेज का पाथ उसको मिला ही नहीं, यहाँ पर इमेज का पाथ उसको मिला ही नहीं, तो इमेज कहाँ से आएगी उसके पास। अब ये वाली जो है हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, डिव क्लास नेम, क्लास नेम रो। ठीक है, और रो के अंदर यूज़ करते हैं डिव क्लास नेम कॉल MD4 या 3 यूज़ कर लेते हैं। अब 3 के अंदर इसको डालेंगे हम, आपने बूटस्ट्रैप यूज़ किया होगा तो आपको पता लगा, सिंपल HTML CSS, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसका कोड चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, ये बन के आ गया, इमेज चाहिए इसको तो इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और बाद में मैं ये इमेज को लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं ये इमेज सेव कर लेता हूँ। पब्लिक के अंदर गया, इमेज का फोल्डर बनाया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने Image 1, मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, यहाँ बनाया Image 1, सेव कर दिया इसको मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इसको पा दूँगा, इसका कहाँ है मेरी इमेज, इमेज का पाथ यहाँ पर है, ये कहाँ से मिलेगा इसको, इस टाइप से मिलेगा, एक मिनट, इमेज का फोल्डर है फिर इमेज बना है ना, इमेज का फोल्डर है फिर Image 1, ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इमेज सेलेक्ट नहीं कर रहा है ना, .svg, यहाँ पे चेक करूँगा, देखिए मेरे को मिल गया प्रॉपर, मिल गया। अब मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं UI नहीं बना रहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट को बना के उसको रीयूज़ कैसे करते हैं। मैंने ये बनाया देखिए, अब मुझे इसको रीयूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसको रीयूज़ करना है तो मैं देखिए मेरा कंपोनेंट ये कॉल हो रहा है यहाँ पर, अब इसको रीयूज़ करना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट मारता रहूँगा बार बार, इसको यहाँ से कॉपी किया फिर इसको पेस्ट करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा, ऐसे करके 3 तो आगे बन गए मेरे पास, बट लेकिन मैं कॉपी पेस्ट ना करूँगा ऐसे, देखिए सॉरी कॉपी पेस्ट मुझे इसको नहीं करना, मुझे इसको करना है कॉपी पेस्ट, रियूज इसको करना है मुझे, है ना, तो इस टाइप से कॉपी होना करूँगा मैं इसके अंदर। ऐसे तो HTML में करते थे सिंपल, फ़र्क क्या है HTML में इसमें, है ना, तो मैं इस टाइप से यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है इसको रियूज होना है, कोड लिखें एक बार, बट
टाइटल दूसरा हो उसके अंदर, सबके अंदर डिस्क्रिप्शन दूसरी हो, उसको कैसे यूज़ करेंगे? मतलब कहने का मतलब समझो, हम इस जो बॉक्स है इस बॉक्स का कोड एक ही बार लिखें, मतलब हमें इसका टाइटल लिखना है तो इसका टाइटल एक बार लिखें, बट चेंज करें इसको उसके एपीआई के थ्रू, हम खुद की एपीआई बनाएंगे फिर चेंज करेंगे, ठीक है? मैं दिखाता हूँ इजिली। अभी हमें बार बार ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा, फिर हमें एक बार लिखेंगे उससे हमारा सारा काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, इसको बाहर निकालना पड़ेगा ऐसा ना, ये दो क्लास को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीट हो गया था ना इस टाइप से। और मैं इसको यहाँ पे ले आके दो रिक्वायरमेंट हटा दूंगा, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट मार दूंगा, यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हम इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है? अब देखिए, अब मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब मुझे इसको रिपीट करना है, तो या तो मैं इसको रिपीट करूँ इसके अंदर ही, या तो मैं फिर इसको रिपीट करूँ कार्ड को। ये देखिए ऐसे आ गए हमारे पास कितने सारे बन के, हो गए जी यूज। ये देखिए यहाँ से हम यूज़ तो कर सकते हैं, बट लेकिन इनके टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज होंगी? ये तो चेंज हो नहीं पाएंगी। ये चेंज करने के लिए हमें कस्टम एपीआई बनानी पड़ेगी अपने लोकल पे, ठीक है? तो हम पहले क्या करते हैं, अपने लोकल पे एक एपीआई बनाते हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको, है ना? तो इसके अंदर डालते हैं, इसका नाम रखता हूँ कस्टम एपीआई डॉट जेएस, ठीक है? इससे पता चलता है जेएस का कोड है। एपीआई बनाने के लिए आप नाम कुछ भी होते हैं, यहाँ पर डाटा रख दिया मैंने, मान लो मैंने नाम, ठीक है? और ध्यान रखना एपीआई में आपका डाटा जाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? इस टाइप से, इस टाइप से डाटा जाएगा, ठीक है? अब मान लो मैंने नेम डाला यहाँ पे, की और वैल्यू के पेयर में जाता है डाटा, ठीक है? यहाँ नेम लिखा मैंने, नेम में लिख दिया मैंने रोहित, या मान लो यहाँ मैंने लिखा कार्ड टाइटल वन, कार्ड टाइटल वन, ठीक है? मतलब मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो, डिस्क्रिप्शन आप ले लो फिलहाल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दो दिस इज डिस्क्रिप्शन वन, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, ठीक है? और इमेज का पाथ ले लेते हैं यहाँ पे एक आई एम जी, यहाँ पे इमेज का पाथ डाल देते हैं, इमेज का पाथ मैं स्टेप से डालूंगा जैसे यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, कॉपी करके ये पाथ्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है? और यहाँ पे अपने डाल दें नाम, और सबसे पहले हम डालेंगे आईडी, क्या डालेंगे? आईडी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वन, ठीक है? क्या डाला? आईडी वन, इसको स्टेप से स्टेप कोई दिक्कत नहीं, स्टेप से यूज़ कर सकते इसको, ठीक है? अपना आईडी यूज़ किया, अब इसको रिपीट करो आप, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया, अब यहाँ से इसको रिपीट कर लो, यहाँ पे क्या होगा आपके मल्टीपल डाटा आएंगे, दो तीन चार, मैं फिलहाल चार डाटा रखता हूँ ना, सबका नाम चेंज करता हूँ, इसके आईडी का नाम टू हो जाएगा, इमेज का नाम टू हो जाएगा, यहाँ से टाइटल टू हो गया, डिस्क्रिप्शन टू हो गया, इससे हमें पता लगेगा डाटा डिफरेंट आ रहा है, वरना हम समझ नहीं पाएंगे डाटा डिफरेंट है कि सेम है। चार हो गया, सॉरी ये तीन था, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसको रिपीट करता हूँ, ऊपर नीचे करता हूँ उसको ना, इसको डाटा इसके नीचे डालता हूँ, लास्ट में कोमा है वो डालता हूँ, ठीक है? ये तीन हो गया, ये तीन हो गया, और ये तीन हो गया। अब इसमें क्या हुआ देखिए मेरे पास, मतलब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब यहाँ पे इसको करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसका नाम रख देंगे क्या है, डाटा, ठीक है? क्या है? डाटा, डाटा मतलब आप कोई भी एपीआई यूज़ करते हो डाटा आपका स्टेप से आता है, जैसे मतलब भी आपका डाटा आता है तो स्टेप से आता है, ये ऑब्जेक्ट आते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट का मतलब है मेरे चार कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है? अब इसको हम यूज़ करते हैं, यूज़ कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पर सिंपल इसको एक बार कॉल कराया, इसको हटाया था मैं, फिर लूप चलाऊंगा, बार बार कॉल नहीं करूंगा इसको ना, एक बार कॉल हुआ, अभी रिपीट कैसे होगा देखिए, पहले हम करेंगे इसको इम्पोर्ट, यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम, डाटा कैसे मिलेगा मुझे, कस्टम एपीआई से, है ना? ठीक है, डाटा मिल जाएगा यहाँ मुझे। अब एक काम करेंगे, पहले कर लेंगे इसको कंसोल, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग डाटा 1 2 3, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कंसोल रखे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, इस टाइप से मैं चेक करता हूँ कंसोल अपना, ये क्या हुआ, डाटा वाज नॉट फाउंड इन कस्टम एपीआई, ये इसको नहीं मिल रहा है ना, ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस टाइप से डाटा दे दिया आई थिंक इसको, इसलिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है? अब उसको मिल जाएगा,
कंसोल में आए, यहाँ मैंने डाला, देखिए डाटा उसको मिल रहा है यहाँ पर, जो डाटा मैंने चार बनाए थे वो चार रिकॉर्ड मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की डाटा आता है एपीआई में, ठीक है। ये हमने कस्टम एपीआई बनाई है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये हमने कस्टम बनाई है। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, ये देखिए, इसके बाद हम एपीआई इंटीग्रेट करके भी देखेंगे प्रॉपर एपीआई, रियल एपीआई, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं फिलहाल। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया हमारा डाटा। अब डाटा का चलाएंगे यहाँ पे मैप, ठीक है, मैप चलाएंगे यहाँ पर, कैश चलाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लिया, डाटा डॉट मैप, मैप में क्या होगा, मैप मतलब लूप, लूप चलाएंगे हम, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर चलाएंगे मैरो फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, इस टाइप से कुछ लिख के देखेंगे, करंट एलिमेंट डॉट नेम, आया क्या, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको रिटर्न नहीं किया, रिटर्न भी करना पड़ता था साथ में। ये देखिए आ गया हमारे पास, सारे आ गए। अब एक काम करता हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं लिखता, इसको हटाता हूँ यहाँ से और ये कार्ड को इसके अंदर डालता हूँ ढाके, तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये समझिए समझने वाली चीज़ है ये। देखिए कार्ड चारों रिपीट होगा आपके, हुआ चमत्कार, कार्ड आपके चार बार रिपीट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एपीआई आ रही है, एपीआई के अंदर चार डाटा है, इसलिए हुआ, ठीक है। देखिए जबकि आपका यहाँ पे जो कार्ड है तो सिंगल है, आपने सिंगल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका चार बार रिपीट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका डाटा चार बार आ रहा है। अगर मैं डाटा को पाँच कर दूँ तो क्या होगा, आपका जो कार्ड है पाँच बार रिपीट होगा। अगर मैं पाँच बार कर दूँ इसको, देखता हूँ पाँच बार करके तो क्या होगा, अगर यहाँ से आ रहा तो रिपीट होना चाहिए, यहाँ से आ रहा तो पाँच बार आना चाहिए, फिर देखिए पाँच आ गया क्योंकि वो सच में वहीं से आ रहा है। थोड़ा डिजाइन ठीक कर लेते हैं, डिजाइन ठीक तो कोई नहीं, डिजाइन तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले फिलहाल इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, टेक्स्ट लेकर आते हैं यहाँ से, जो ये पे आ रही है, बट टेक्स्ट यहाँ से नहीं आ रहा ना हमारा, टेक्स्ट तो यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर से आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट इसके अंदर कहाँ पर है, इसके अंदर जाते हैं हम, टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको हटाएंगे, अपने रियल डाटा ले आएंगे। अब यूज़ करेंगे प्रॉप्स का, यहाँ पर लिखेंगे डाटा, क्या लिखेंगे, डाटा, और यहाँ से अपने जो डाटा है उसको भेजेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से भेज देंगे, ठीक है, डाटा से भेज देंगे और डाटा के थ्रू वहाँ पे गेट कर लेंगे अपने प्रॉप्स को। मतलब मेरा डाटा यहाँ से कार्ड में आया और कार्ड के अंदर हम एक प्रॉप एट्रीब्यूट देके और वहाँ से सेंड भेज रहे हैं इसको ना। अब यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे हम, इसके अंदर जाके यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें मैं आपको बताया था लास्ट टाइम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, पता ना आपको, अभी मैंने समझाया था, अभी नहीं याद है तो बैक करिए, फिर से जाइए, फिर देखिए प्रॉप्स कैसे यूज़ करते हैं, मैं तुम आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए सिंपल मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके बताता हूँ, प्रॉप्स लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉप्स में क्या आया होगा, मेरा डाटा सारा यहाँ से उठ के सब यहाँ गया होगा, ठीक है। अब मैं जब भी यूज़ करूँगा प्रॉप्स डॉट करके यूज़ करूँगा, मुझे टाइटल यूज़ करना है, टाइटल मतलब नाम, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे देखता हूँ मैं इस पर करके क्या आ रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, नेम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, ये की, मैं की का नेम कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश को, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया, देख लेते हैं एक बार। एक काम करते हैं, प्रॉप्स में डाटा आ रहा था, ठीक है, इसीलिए देखिए गलती क्या हुई, प्रॉप्स के अंदर क्या आया, डाटा आया, तो डाटा के अंदर नेम आएगा, प्रॉप्स डाटा डॉट नेम आएगा, आ गया, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इस प्रॉप्स में उसको क्या मिला था, इस प्रॉप्स में मिला था उसको डाटा, तो डाटा के अंदर नेम था, ये डाटा जो है इस डाटा के अंदर नेम है ना, डाटा जो मिल रहा है मुझे इस डाटा के अंदर नेम है, ये डाटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कस्टमर पे से, इसके अंदर नेम है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट नेम। अब मैं इन सबसे करने से अच्छा मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कर सकता, यहाँ पर ऐसे करना कर लूँ, डिस्ट्रैक्टिंग कर लेता हूँ सिंपल, पोस्ट करके इस टाइप से नेम और ये निकालूँगा यहाँ से प्रॉप्स डॉट डाटा, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट सिंपल नेम यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, देखिए अभी चल रहा है, हाँ अभी चल रहा है, देखिए कार्ड वन कार्ड टू कार्ड थ्री कार्ड फोर कार्ड फाइव, वाह डाटा आ गया। अब एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन का भी चेंज करते हैं यहाँ पे, हम डिस्क्रिप्शन हटाते हैं यहाँ से, इसको डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, बट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। नाम क्या है,
DESC करके था, कॉपी करूँगा या पेस्ट मार दूंगा, सेव करूँगा या फिर आगे डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन 1, दिस इज डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3, डिस्क्रिप्शन 4, डिस्क्रिप्शन 5। ठीक है, डिजाइन थोड़ा दूसरा दिख रहा है, मैं इसको ठीक करता हूँ क्योंकि डिजाइन मेरे माइंड में खटकता रहेगा वरना। मैं MT3 लगाता हूँ, मैं MB4 लगाता हूँ मार्जिन बॉटम से 4 पिक्सल। ठीक है, देखिए आगे इस टाइप से। अब मैं इसके एक और रिपीट करूँगा तो फिर आएगा डाटा इसके अंदर, कॉपी किया और फिर यहाँ रिपीट कर दिया, फिर लिख दिया इसके अंदर 6। तो यहाँ फिर डाटा आ गया 6 का आ गया। इमेज नहीं आई, इमेज ऐड करनी, इमेज ऐड कर लो। ठीक है, इमेज क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने इमेज 1 डाल रखी है, ये डाल रखी है इस टाइप से, सॉरी इमेज मैंने यहाँ पे डायनेमिक नहीं कर रखी इसलिए नहीं आ रही इमेज ना, पहले इमेज को दूंगा डायनेमिक। ठीक है, इमेज को डायनेमिक कैसे करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से कैसे करेंगे, इमेज का नाम क्या था, क्या रखा था, IMG, तो IMG यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे हम सिंपल और यहाँ पे उसको पास कर देंगे। सॉरी, अब देखिए पहली इमेज IMG 1 तो है मेरे पास तो आ गई, IMG 2 नहीं है तो नहीं आई। ठीक है, IMG 1 मेरे पास है तो IMG 1 आ गई, अभी के लिए फिलहाल मैं सब में IMG 1 लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके IMG 1 कर देता हूँ ताकि सब में मेरे को प्रॉपर इमेज दिख जाए। आपको समझ तो आ गया होगा, अब मैंने सब में IMG 1 कर दिया है ताकि मेरे को कोड ब्रेक ना लगे, वही ब्रेक ना हो। ठीक है, प्रॉपर समझ आ गया। एक कार्ड को हमने कैसे रियूजेबल किया मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। फिर मैंने एक कार्ड रैपर यूज़ किया है, ठीक है, मैं इसको कंसोल बताता हूँ। कार्ड रैपर यूज़ किया है, कार्ड रैपर के अंदर मैंने एक कार्ड बनाया, ठीक है, और उस कार्ड के अंदर क्या किया, कार्ड के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक बार कोड लिखा और उसके अंदर डाटा पास किया डायनेमिकली। डायनेमिक डाटा कहाँ से आ रहा है, प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है। प्रॉप्स कहाँ से भेज रहा है, ये कहाँ से भेज रहा है, रैपर से। और रैपर के अंदर प्रॉप्स कहाँ मिल रही है उसको, कार्ड के साथ में ये प्रॉप्स मिल रही है उसको, यहाँ पे ये प्रॉप्स भेज रहा है। यहाँ उसने एट्रीब्यूट बनाया डाटा नाम से, इसके अंदर प्रॉप्स भेज दी, कस्टम एलिमेंट, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कहाँ से मिला उसको, करंट एलिमेंट मिला उसको यहाँ से, जो कि हमने मैप चलाया है। ठीक है, मैप किस पे चलाया है, डाटा पे। डाटा कहाँ से मिला उसको, यहाँ से डाटा, यहाँ से इंपोर्ट किया कस्टम API से, जो कि हमारे पास ये लिस्ट आ रही है, इसके अंदर जाओगे यहाँ पे लिस्ट आ रही है। ठीक है, आई थिंक आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट काम, सबसे मेन काम वो करते हैं हम, किसका, API इंटीग्रेशन का। सिंपल एक API इंटीग्रेट कर लेते हैं, अब देख लेते हैं ना। आई होप आपको API इंटीग्रेशन का आइडिया लग गया होगा, ये भी सेम ऐसी कॉल होता है API इंटीग्रेट भी। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर चलते हैं app.js में, फिर यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं हम फिर से, ताकि हमें कुछ देखे ना। ठीक है, नहीं दिख रहा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम जाएंगे रियूजेबल को करेंगे बंद, इसके कंपोनेंट के अंदर एक बनाएंगे API नाम से फोल्डर। ठीक है, API, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे कॉल API .jsx। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे API अपनी सिंपल। ठीक है, पहले हम बनाते हैं कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पता है, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं React, खुद से हो गया इंपोर्ट। देखिए VS कोड के ही फायदे, const कॉल API। ठीक है, मैंने नाम रख दिया इसका const कॉल API, रिटर्न करूँगा सिंपल इस टाइप से, मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अब रिटर्न में क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ फिलहाल अभी। अब एक काम करता हूँ, मैं app.js में यहाँ पे यूज़ करता हूँ कॉल API, फिर से हम गलती कर रहा हूँ, मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, डिबगर नहीं, डिफॉल्ट कॉल API। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे हम, कॉल API लिखोगे तो खुद से इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं यहाँ पे सब। ये देखिए मैंने कमेंट कर रखा है, इसको कमेंट कर रखा है, सिर्फ कॉल API चला रखा है, तो मेरा कॉल API दिखेगा आपको सिर्फ ऐप पे, यहाँ गए यहाँ पे आपको कॉल API दिखेगा सिर्फ बस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ढूंढते हैं API पहले, सबसे पहले चलते हैं फ्री API फॉर टेस्टिंग फॉर React। ठीक है, अब इसके अंदर API होती है काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट होती हैं जो कि API प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, मैं आप देखता हूँ, इसे मैं यूज़ करता हूँ रिक्वेस्ट करके, recruits.in, इसमें API है, मैं यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल एक गेट API यूज़ करेंगे, ये गेट API है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे गेट API मिल गई, इसके बारे में मिल गया है। गेट API में पता है क्या होता है, गेट API के अंदर कुछ डाटा होता है जो कि आपको डिस्प्ले कराना होता है अपने पेज पे आकर। ठीक है, कई तरह की API होती हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट, काफ़ी सारी API होती हैं। ठीक है, पुट होती है, पैच होती है, वो सब आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप बेसिक फंडा जान सकते हो अभी के लिए। ठीक है,
यहाँ पे आप अगर मैं आपको वो सब बताना बैठूंगा तो आप कंफ्यूज होगा फिर ना, ये सब समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो गेट वाली पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ बनाते हैं पोस्ट, या एक काम करते हैं फंक्शन बनाते हैं, पोस्ट करके फंक्शन बनाते हैं API कॉलिंग। ठीक है, इसमें सारा काम करेंगे हम, जो भी काम करेंगे अब इसके अंदर करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक लेते हैं फैच। फैच क्या करता है, फैच एक प्रोमिस रिटर्न करता है, तो उसके लिए हम देन यूज करेंगे। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे res डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे एरो फंक्शन डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, res.json। ठीक है, फिर इसके अंदर फिर चलाएंगे देन, और फिर इसके अंदर फिर से एरो फंक्शन पास कर देंगे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे रिजल्ट, या कुछ भी पास कर जो आपको बेटर लगे। और यहाँ पे हम कंसोल कर लेंगे डाटा को अपने, console.log। अब इससे क्या होगा, मेरा सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, क्या होगा, डाटा सारा रिजल्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, हम चेक कर लेंगे क्योंकि कंसोल काफ़ी सारे हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम ऐसे ही, रिजल्ट 145 ना, इस टाइप से हम अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पर जाके जाएंगे और अपने कंसोल में चेक करेंगे डाटा आता है कि नहीं आता, डाटा नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ हुई, नेटवर्क में चेक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे कहाँ गया फैच पे, ठीक है रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ कॉल। क्यों कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक फंक्शन तो बनाया बट इसको कॉल ही नहीं किया। तो बिना कॉल करे फंक्शन आपकी पे कॉल कैसे जाएगी, सबसे पहले आपका फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद तो सारी चीज़ कॉल होगी। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पे कॉल हुई, हाँ पे कॉल हुई, डाटा आया। ठीक है, प्रीव्यू में क्या आया, डाटा दिख रहा है हमें, कंसोल में चेक करते हैं हम जो भी चलता है। ठीक, कंसोल में डाटा दिख गया हमें, देखिए प्रॉपर डाटा मिल गया। अब एक काम करते हैं हम सिंपली, यहाँ बनाते हैं एक यूस्टेट। यूस्टेट क्यों बना रहे हैं पहले देख लेते हैं हम। देखिए पहली बात तो ये फंक्शन जो कॉल कराया मैंने, इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कराएंगे, वरना बार बार API कॉल होगी। इसको यूज करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही ना, इसके अंदर यूज करेंगे, यूज इफेक्ट के अंदर यूज करेंगे डिपेंडेंसी डाल के। फर्स्ट टाइम कॉल करना है इसको हमें सिर्फ, ठीक है, बार बार API कॉल नहीं करानी, तो इसलिए हमने यूज इफेक्ट यूज कराया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम एक यू स्टेट, कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा यू स्टेट, चलिए यूज करते हैं यू स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे ब्लैंक एरे पास कर देंगे, क्योंकि डाटा हमारा किस में आ रहा है, एरे फॉर्मेट में आ रहा है, तो ब्लैंक एरे पास कर देंगे, और बाद में इसको सेट कर देंगे यहाँ पे आके, रिजल्ट को यहाँ पे सेट कर देंगे, सिंपल सेट डाटा, यहाँ पे अपने रिजल्ट को सेट कर देंगे इसमें। तो हमें कहाँ मिल जाएगा, ये वाली स्टेट के अंदर डाटा सारा मिल जाएगा हमें वाला, कंसोल यहाँ नहीं कराएंगे हम, एक काम करते हैं कंसोल बनाते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपने सेट किया है तो यहाँ पे आपको गेट नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको प्रिंट कराओ डाटा को तो आपको मिलना चाहिए डाटा। यहाँ पर जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए हाँ जी प्रॉपर आपको डाटा मिल रहा है, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप एक काम और करिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा मिल रहा है, डाटा पेज पर पेज ये सब मिल रहे हैं हमें, ये सब नहीं चाहिए हमें, सिंपल डाटा चाहिए, तो डॉट डाटा कर देते हैं, डॉट डाटा। अब देखिए हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अब सिंपल एक ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर, इसको हम यूज़ कर लेंगे मैप बना के, जैसे हमने भी यूज़ किया है। ठीक है, और हमें डाटा मिल गया इसके अंदर, अब कंसोल तो कराया हमने, एक काम करते हैं मैप चलाते हैं, मैप कैसे चलाएंगे पता है आपको, प्रॉपरली मैप कैसे चलता है, इसको यूज़ करेंगे टेबल के अंदर, क्योंकि ये डाटा टेबल का है, आई होप आई थिंक ये डाटा टेबल का ही है, हाँ ईमेल आईडी फर्स्ट नेम ये सब टेबल का डाटा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे टेबल, और टेबल बनाएंगे किससे, बूटस्ट्रैप से। ठीक है, BS4 टेबल, सिंपल BS4 में गए, इस टाइप की टेबल बनाएंगे हम, थोड़ी अच्छी सी टेबल, इस टाइप की टेबल बनाएंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे डाटा यहाँ सारा टेबल का, कहाँ गया टेबल, यहाँ से टेबल स्टार्ट किया और एंड तक टेबल कॉपी कर लिया, यहाँ बंद कर दिया इसको हमने। ठीक है, इसको भी बंद करता हूँ मैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, टेबल TOD बन के आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डायनेमिक डाटा लिखाना है, ये सब यहाँ से हटा देंगे हम। डायनेमिक किसको करना है, आपको टाइटल और डायनेमिक नहीं करना है, आपको डायनेमिक करना है सिर्फ इस TR को, किसको, सिर्फ ये TR को, ताकि ये रिपीट होती रहे डाटा के व्यापार, डाटा कितने 6 डाटा हैं, तो ये टेबल 6 बार आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे मैप चला दोगे अपना, डाटा डॉट मैप,
वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, या करंट वैल्यू जो भी लिखना आपको, लिखा आपने यहाँ पर, रिटर्न किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे काम आता है फ्रेगमेंट, मैं आपको बताता स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टेप से फ्रेगमेंट यूज़ करते हो आप, यहाँ पे आप फ्रेगमेंट यूज़ करके स्टेप डाल सकते हो इसको, आप स्टेप डाल सकते हो फ्रेगमेंट यूज़ करके, क्योंकि इसको कोई एक्स्ट्रा टी डी नहीं चाहिए, या फिर टी आर भी कर सकते हो, यहाँ पर फ्रेगमेंट नहीं यूज़ करो तब भी चलेगा, वैसे तो सिर्फ सिंपल टी आर रिटर्न कर दो, ठीक है। अब देखिए देखिए डाटा 6 बार रिपीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 डाटा है इसमें, ये स्टेटिक है बट 6 बार रिपीट हो रहा है, क्यों, ये आपका डाटा 6 बार आ रहा है ए पी आई में। अब डाटा ए पी आई से लिखाना हमें, ये रिटर्न डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या डालेंगे, नेम, नेम है इसके अंदर, फर्स्ट नेम है भाई, तो हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं। फर्स्ट नेम कैसे लेंगे, यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे, वेल, कहाँ से लिया वेल हमने, यहाँ से वेल डॉट फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क से क्या बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे ये बेनिफिट होता है क्वेश्चन मार्क से कि जो वैल्यू है अगर एग्जिस्ट करती है तब ये वैल्यू प्रिंट होगी। आ गए देखिए डाटा, मिसेल से सब नाम आ गए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं, देखो जो डायनेमिक डाटा यहाँ से नाम आ रहे हैं, लास्ट नेम भी ऐड कर देते हैं इस टाइप से ही, वेल डॉट लास्ट नेम, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाए थे हम, देखिए लास्ट नेम भी आ गए सबके, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी जाते हैं इस टाइप से, डाटा सारा ला सकते हैं इस टाइप से हम। अब ये पता नहीं क्या यूज़ किया उसने, यहाँ पे क्या यूज़ किया, ईमेल, हाँ ईमेल यूज़ किया ना, देखिए सिंपल ईमेल यूज़ किया उसने, ईमेल लेंगे यहाँ पे, ईमेल आ गए डाटा में हमारे पास सारी, और तो और इमेज भी दिखा सकते हैं यहाँ पे आप, इमेज दिखानी, इमेज दिखा सकता हूँ मैं तो, टी डी एक काम करो, हाँ यहाँ पे इमेज दिखा दो पहले तो, एस आर सी डायनेमिक आपको आ रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे वेल क्वेश्चन मार्क डॉट आई एम क्या लिखा है यहाँ पे, अवतार, स्टेप से यूज कर लो उसको आप, आपकी इमेज भी आ गई, देखो आ गई इमेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको थोड़ा सा ना उसमें ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसको लेते हैं कंटेनर के अंदर, डिव क्लास कंटेनर, और MT4 करते हैं, MT4 अब थोड़ा सुंदर दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है, यूज़ कर लिया मेरी, यूज़ कर लिया फर्स्ट टाइम, यूज़ कर लास्ट टाइम, यूज़ कर लिया, आई यूज़ नहीं की, आईडी वैसे एरर भी आ रहे होंगे यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करूँगा एरर भी आ रहे हैं यहाँ पे, देखो यूनिक की यूज़ नहीं की, की भी यूज़ करनी पड़ती है, आपको पता है यूनिक की यूज़ करनी पड़ती है मैप के अंदर, मैप चलाया आपने टी आर पे चलाया, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, की यूज़ करोगे, की में क्या आएगा, वैल्यू के साथ एक क्या आता है, इंडेक्स, क्या आता है, तो इंडेक्स आप यहाँ पास कर दोगे, और इस टाइप से नहीं पास करोगे भाई, इस टाइप से पास कर दोगे, ठीक है। ये बोलते हैं इंडेक्स, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, इंडेक्स वाला नहीं आ रहा, क्लास, ये तो क्लास यूज़ कर रखा है आपने कहीं पे, क्लास नहीं यूज़ करना आपको वहाँ पे, जहाँ पे आपने क्लास यूज़ कर रखा है, ये क्लास यूज़ कर रखा आपने, क्लास नेम यूज़ कर लीजिए, एरर बंद हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एरर दिखाता है आपको रिएक्ट, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए प्रॉपर से डाटा आ रहा आपका, जो यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे आपका, वो डाटा यहाँ पे आ रहा आपका, देखिए पहला डाटा देखता हूँ, पहले क्या है, पहले में यू आर एल वाला है, 7image.jpg, इसका नाम भी यही है, ठीक है, 7image.jpg करके, इसका नाम क्या है, ईमेल आईडी ये वाली आ रही है, ईमेल आईडी से मैच कर रही है, फर्स्ट नेम ही आ रहा, फर्स्ट नेम मैच कर रहा है, लास्ट नेम आ रहा, लास्ट नेम मैच कर रहा है, और आईडी में आपको दिखाई नहीं रहे, सिंपली। तो आपका डाटा सारा ही पेज आ चुका है, तो ये आपकी गेटवे कॉल हो गई प्रॉपरली। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो फिर से मैं आपको वो भी बोलूँगा सेम चीज़ें, गेटवे की वीडियो डाल रखी है, जाके देख लीजिएगा, नहीं समझ आया यहाँ पे, नहीं समझ आया तो यहाँ देख लीजिएगा, वहाँ नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका फुल कोर्स ऑलमोस्ट चीज़ें मतलब हो चुकी है कवर, रिएक्ट जेएस की अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करता हूँ बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने जितने टॉपिक यहाँ पे बताया सब आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। रियूजेबल कंपोनेंट बता दिया, इंडेक्सिंग बता दिया मैंने आपको, अब बात करते हैं रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन की, इंटरव्यू क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कुछ 8-10 क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे कमेंट डालोगे तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के प्रोवाइड आपको करा दूँगा, ठीक है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे प्रोवाइड करा रखे हैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। देखिए इस पे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, और आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट के मोस्ट 50
क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में भी यहाँ पर बता रखा है मैंने। अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हो यहाँ पे प्ले लिस्ट में, तो आपको डिटेल मिल जाएंगे। डिटेल में 55 क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं। दिखाता हूँ आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ, ये फुल कोर्स होगी। तो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ ये तो 5 वीडियो है टोटल। इसके अलावा यहाँ पे थी ये भी 55 वीडियोस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी इंटरव्यू क्वेश्चंस, इसमें 55 क्वेश्चन डिटेल में है पूरे, आप जाकर देख सकते हो, डिटेल में चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराए आप सबको, ठीक है। अब चलते हैं, एक काम करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिएक्ट जेएस, ये मैंने आपको बताया सिंपल। अगर ये सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल पूछे जाना है अगर आप इंटरव्यू जा रहे हो रिएक्ट जेएस के लिए, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय फेसबुक फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस बेस्ड ऑन यूआई कंपोनेंट। सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। आप सिंपल आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा बड़ा डिटेल में आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर दोगे तो कोई भी समझ जाएगा इसमें, ठीक है, कि रिएक्ट जेएस क्या है, ठीक है। व्हाट इज जेएसएस, जेएसएस मैंने आपको समझाया, जेएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। इट इज सिंपली ए सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट्स अलाउ अस टू डायरेक्टली राइट एचटीएमएल इन रिएक्ट विद इन जावास्क्रिप्ट कोड। एचटीएमएल के साथ साथ जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं हम, वो होता है जेएसएस और सिंगल रिटर्न करता है, मैंने आपको बताया था। हुक्स क्या होते हैं, हुक्स भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। हुक्स अलाउ अस टू यूज हुक इनटू रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड्स। हुक्स वर एडेड टू रिएक्ट इन वर्जन 16.8, ठीक है, 16.8 वर्जन के अंदर एड किए गए थे हुक, ठीक है। हुक्स किसको कवर करते हैं, लाइफ साइकिल मेथड को कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल डोम, वर्चुअल डोम क्या होता है, तो सिंपल रिएक्ट जेएस कीप से लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल डोम इन द मेमोरी दैट इज नोन एज द वर्चुअल डोम। तो वर्चुअल डोम क्या होता है, एक लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, रियल डोम का, जो कि काफ़ी फास्ट चलता है, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्ट जेएस है वो वर्चुअल डोम यूज करता है। नेक्स्ट है वेयर बेस्ट स्टेट इन रिएक्ट जेएस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। देखिए हम सिंपल सी बात है, हम स्टेट की जगह वेयर क्यों यूज करते रिएक्ट के अंदर, तो इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल हमारा मान लो हमने रिएक्ट स्टेट है, अब जब मैंने कोई भी कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज किया तो हमारा कंपोनेंट पूरा रिडेंडर होता है। मैंने स्टेट में कुछ भी चेंज किया तो हमारा कंपोनेंट पूरा रिडेंडर होता है, बट मैंने स्टेट में कुछ भी चेंज किया तो हमारा कंपोनेंट रिडेंडर नहीं होगा पूरा, यही फर्क है सिर्फ इसमें बस, इसलिए हम वेरिएबल यूज़ नहीं करते। बट जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो वहाँ वेरिएबल लेट कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं हम, बट स्टेट की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते इसको, स्टेट की जगह पर स्टेट यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे हम काउंट ट्रैप चलाते हैं ना अभी, तो इस टाइप से काउंट ट्रैप भी नहीं बना पाएंगे हम वेरिएबल की हेल्प से, सिर्फ उसके लिए हमें स्टेट यूज़ करना ही पड़ेगा, यकीन ना तो आप करके देखना, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस पर तो आप कमेंट डाल सकते हैं। वाई वी प्रायोरिटी टू मैप इंस्टेड ऑफ फॉर इच, फॉर इच की जगह पे हम मैप को प्रायोरिटी क्यों देते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने आप यहाँ पे मैप चलाया, तो ये मैप ही क्यों चला रहे हैं, तो फॉर इच चला सकते हैं। फॉर इच क्यों नहीं चलाते, क्योंकि फॉर इच को रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। मैप विल रिटर्न बट फॉर इच नॉट रिटर्न, फॉर इच रिटर्न नहीं करता, मैप रिटर्न करता है, यही फ़र्क है, लूप दोनों है। व्हाट इज बेबल इन रिएक्ट जेएस, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी बेबल क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वीडियो को रोक के उसका आंसर दीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताया था डिटेल में। बेबल इज ए जावास्क्रिप्ट कंपाइलर दैट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू कंपाइल जेएसएक्स इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो हम लिखते हैं जेएसएक्स लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते प्रॉपर, ठीक है। रिएक्ट के अंदर जो भी लिखते हैं वो जेएसएक्स लिखते हैं, जेएसएक्स हमारा ब्राउजर नहीं समझता है, उसको कन्वर्ट करने का काम जो बेबल क्या करता है, बेबल करता है हमारे जेएसएक्स को कन्वर्ट करता है रेगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हमारा ब्राउजर समझ पाता है, ठीक है। ब्राउजर समझता है रेगुलर जावास्क्रिप्ट को, ना कि जेएसएक्स को। अब बेबल क्या करता है, जेएसएक्स को कन्वर्ट करता है रेगुलर जावास्क्रिप्ट में, सिंपल आंसर है इसका। व्हाट इज प्रोप ड्रिलिंग, प्रोप ड्रिलिंग क्या है, प्रोप ड्रिलिंग क्या है, प्रोप ड्रिलिंग क्या है, प्रोप ड्रिलिंग इज द अनऑफिशियल टर्म्स फॉर पासिंग डाटा थ्रू सेवरल नेस्टेड चिल्ड्रन कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने क्या क्या डाटा पास किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाटा पास किया है, तो यहाँ से एक देखिए मैंने ये बनाया था ना अभी, अभी मैंने क्या बनाया था, रियूजल कंपोनेंट बनाया था। तो रियूजल कंपोनेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्ड रैप पास किया, ठीक है। कार्ड रैप के अंदर मैंने कार्ड पास किया, अब यहाँ कंपोनेंट के अंदर गए हम, सो यहाँ पे गए ऐप के अंदर गए, पहले हम ऐप के अंदर मैंने क्या पास किया, कार्ड रैप पास किया है, ठीक है। ये देखिए कार्ड रैप पास कर दिया, कार्ड रैप के अंदर जाऊँगा तो मैंने क्या पास किया, कार्ड पास किया है। कार्ड के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ पास नहीं है, सिंपल डाटा रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ तीन स्टेप हो गए। तो इस टाइप के आप काफ़ी सारे स्टेप नहीं कर सकते हो, मतलब इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, तो नेस्टेड नहीं चला सकते। जैसे मान लो
अब आपको क्या करना है, ये चलाना है, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, मतलब नेस्टेड नेस्टेड आप डाटा पास नहीं कर सकते, मतलब कंपोनेंट तो यूज कर सकते हो बट डाटा पास नहीं करना चाहिए, कर सकते हो बट करना नहीं चाहिए, है ना। जैसे आपने कुछ डाटा यहाँ से पास किया इसमें, फिर यहाँ से कुछ डाटा पास किया इसमें, यहाँ से डाटा पास किया कुछ इसमें, फिर अंदर गए, फिर यहाँ से डाटा पास किया इसमें, फिर अंदर गए, फिर उसके अंदर डाटा पास किया किसमें, तो मतलब नेस्टेड डाटा पास करते जा रहे हो आप, तो वो पास करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप ड्रिलिंग। हमें प्रोप ड्रिलिंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, कोई हम कोई अपना जो स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेडेक्स हो गया या जूस्टेंड हो गया या ये अपना कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है, ये यूज कर सकते हो आप, ठीक है। व्हाट इज रिएक्ट फ्रेगमेंट, ये तो अच्छे से पता आपको, मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। रिएक्ट फ्रेगमेंट करता है, रिएक्ट फ्रेगमेंट अलाउ टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम ए रिएक्ट कंपोनेंट, ये सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है बट अलाउ करता है मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। जो सिंगल एलिमेंट है वो आपका दिखता नहीं है, आपने मैंने आपको दिखाया था डिटेल में भी ना, नहीं दिखा है तो बैक करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोट लिखा है ना, सब यहाँ पर बैक करके देख लीजिए, आपको समझ आएगा प्रॉपर, ठीक है। व्हाट इज रिडक्स, नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा, कभी आप बैक जाओगे इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट के अंदर कंटेनर फोर आ रहा है, ठीक है, कंटेनर एम टू फोर, फिर इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है टेबल आ रहा है, कंटेनर को हटाना चाहूँ मैं, डायरेक्ट यूज़ करना चाहूँ तो कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर जो रखा है कंटेनर को हटा दूँ, ये देखिए कंटेनर के ऊपर यहाँ पे डीबी जो रखी है, मैं जो हटाता नहीं इसको, हाँ इसके ऊपर ये डीबी जो रखी है, ये फ्रेगमेंट है, ये डिप दिख तो नहीं रही आपको, इसकी जगह अगर मैं डिप लिख दूँ तो यहाँ पे आपको डिप दिखेगी, इसके बाहर रूट के अंदर और कंटेनर के बाहर, देखिए अगर मैं डिप लिख दूँ ना स्टेप से तो आपको दिखेगी यहाँ पे डिप, दिख रही डिप, रूट के अंदर डिप आ रही है, फिर डिप के अंदर कंटेनर आ रहा है, बट इसको हटा के सिंपल स्टेप से टाइप कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या चलेगा, फ्रेगमेंट चलेगा जो मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करवाएगा, ठीक है, सिंपल है। व्हाट इज रिडेक्स, रिडेक्स इज ए पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट मैनेज करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी होती है हमारे पास, हमें प्रॉप ड्रिलिंग यूज़ नहीं करना है, उसके लिए काफ़ी सारी लाइब्रेरी होती है, रिडेक्स हो गई, ठीक है, या फिर जूस्टेंड हो गई, रिडेक्स काफ़ी फेमस है, तो इसके लिए इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज रिडेक्स, तो आप सिंपल बोल सकते हो रिडेक्स इज ए पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, सिंपल आंसर है। तो आई होप आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि रिएक्ट जेएस क्या है, अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके सब चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी इफेक्ट लगता है, ठीक है, वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।